सो विल कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन. स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप का मैंने बोला, देखो ये बोला ना लोगों, रेंज और रीच समथिंग, बेसिकली कितना कवर करूँ भाई मैं, स्कोप क्या है मेरा, राइट, कितना कवर करूँ मैं. सो ध्यान रखने का, जो अपना एकदम जो अपना डे टू डे चैटिंग इंग्लिश होता है उससे ऑडिट इंग्लिश अलग है. ऐसा बोलते हैं स्कोप क्या है, तुम लोग कोई पता है क्या ये फील्ड का स्कोप क्या है, मतलब इसमें क्या क्या करियर हो सकता है, क्या चांसेस है ऐसा, नहीं? लेकिन जब मैं ऑडिट सब्जेक्ट बोलूँ, स्कोप क्या है, मतलब कितना कवरेज, कितनी चीज़ों को कवर करना है, मेरे को कवरेज कितना रखना है, एज सिंपल एज दैट. ऑडिट, सो एवरीवन ओवर हियर, जो आपने नोट्स पे लिखा पहले वो देखो, स्कोप क्या है, दैट मीन्स द कवरेज. स्कोप डिपेंड्स अपॉन एल आई सी, एल फॉर लॉज एंड रेगुलेशन, आई फॉर आई सी प्रोनाउंसमेंट, एंड सी फॉर कॉन्ट्रैक्ट विद द क्लाइंट. थोड़ा बहुत आपने यहाँ पे लिख लिया, अब देखते हैं इधर क्या लिखा है. फॉलोइंग पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट. मैं बहुत बेसिक चीज आपसे पूछता हूँ, टेल मी, अगर आप एयर इंडिया का ऑडिट कर रहे हो तो एटलीस्ट एक बार आपको उनका टेक ऑफ और लैंडिंग प्रोसेस तो देखना पड़ेगा, येस और नो सर? नहीं ना, मैं भाई एयर इंडिया का ऑडिटर है, मेरे को क्या लेना देना है उनका टेक ऑफ और लैंडिंग का. आई हैव टू लैंड माई सेल्फ ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मुंबई एयरपोर्ट पे नहीं. तो टेल मी, एज एन ऑडिटर, ऑप्शन ए, विल यू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी, और ऑप्शन बी, विल यू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी दैट आर रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. पहले दो चीज का डिफरेंस समझो, आपको ना ऑप्शन ए भी बराबर लगेगा कि हाँ हाँ एंटिटी के हर एक एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए, पर जब आप ऑप्शन बी सुनोगे तो ए गलत लगेगा आपको कि भाई हर एक एंटिटी का हर एक एस्पेक्ट थोड़ी कवर कर सकते हैं, हम लोग एंटिटी का सिर्फ वही एस्पेक्ट कवर कर सकते हैं विच इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बहुत मस्त लाइन लिखे देखो, फर्स्ट लाइन, ऑडिट ऑफ फाइनेंस. पता है कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो खाली हेड पॉइंट पढ़ के चले जाते हैं, और उनका तो हेड गया, तो हेड पॉइंट में क्या लिखा है, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी. नहीं नहीं पूरा देखो, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड एडिक्वेटली टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी बट दैट आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बींग ऑडिटेड. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेज इज द लास्ट फ्रेज, इफ यू आर ऑडिटर ऑफ एयर इंडिया यू आर ब्लडी नॉट वरीड अबाउट ऑल द ऑपरेशंस ऑफ एयर इंडिया, वरना तुम तो एयर होस्टेस के साथ घूमोगे. ठीक है, नाउ टेल मी, अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट कर रहे हो तो उसका टर्नओवर का फिगर आपको चेक करने की इच्छा है? वो इच्छा नहीं तो क्या इच्छा है, संन्यास लेने की? अगर आप रिलायंस का ऑडिट कर रहे हो तो टर्नओवर का फिगर चेक करोगे? यस. अच्छा, टर्न पता है वो कोई भी कंपनी का अकाउंट्स अगर आप देखते हो तो उसमें रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन कितना है, अदर इनकम कितना है, नोट्स टू अकाउंट्स, ये सब थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है. तो भाई हमको सिर्फ ये नहीं देखना होता फिगर बराबर है कि नहीं, हमको ये भी देखना होता है डिस्क्लोजर्स बराबर है कि नहीं है, और जो भी इंफॉर्मेशन सामने आ रहा है वेदर वो रिलायबल है कि नहीं है. सो लुक एट दिस, द ऑडिटर शुड बी रीजनेबली सेटिस्फाइड दैट इंफॉर्मेशन कंटेंट इन द अंडरलाइंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर सोर्स डेटा इज रिलायबल एंड सफिशियंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, जर्नल एंट्रीज जो भी है वो रिलायबल सफिशियंट होना चाहिए, और सिर्फ उससे लेना देना नहीं है, मुझे ये भी देखना है कि नोट्स टू अकाउंट्स में बराबर दिखाया है तो, है ना, सब प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ऑडिटर शुड ऑल्सो डिसाइड वेदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रॉपरली डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसके लिए ऑब्वियसली स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स, लॉ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सब दिमाग में रखना पड़ता है. सो एवरीवन, मेन तो सी डी आर पे ध्यान दो, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी दैट आर रेलेवेंट, रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी फॉर डिस्क्लोजर एंड आर फॉर रिलायबिलिटी. D for disclosures and R for reliability. अब practically discuss करने का आपके पास फायदा क्या? जैसे suppose आपको CDR पता है, alright. चलो आपको latest अगर आपने रट्टा मारा है CDR, coverage of all aspects, D for disclosure, R for reliability. अब आप इधर देखो question में. Question number 2. Good Deeds Limited is engaged in business of recycling of waste from dumping grounds of Municipal Corporation of Indore to usable manure.
कुछ तो कचरा कूड़ा वगैरह रिकनसाइल कर रहे हैं लोग, रिकनसाइल या रिसाइकल, कॉमर्स प्रोफेशन में रहने का प्रॉब्लम। इट इज इन दिस वे ऑल्सो हेल्पिंग टू मेक द सिटी क्लीन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बाई जोआ एंड जोआ फर्म ऑफ ऑडिटर्स। इट इज ऑब्जर्व दैट बाई द ऑडिटर्स दैट कंपनी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम सेंट्रल बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कुछ तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कुछ तो उनको नोटिस आया है फॉर नॉट फॉलोइंग सर्टन एनवायरमेंटल रेगुलेशंस इन्वॉल्विंग इम्पोजिशन ऑफ हेफ्टी मॉनिटरी पेनल्टी ऑन द कंपनी। तो भाई पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से नोटिस आया है कि कंपनी ने कुछ कुछ नॉर्म्स फॉलो नहीं किए जिसकी वजह से कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग रही है। और द कंपनी इज येट टू रिप्लाई टू द नोटिस। ऑडिटर्स पॉइंट आउट दैट सेम इज नॉट स्टेटेड इन द नोट्स टू अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। द कंपनी पॉइंट्स आउट दैट ऑडिटर्स आर गोइंग बियॉन्ड द स्कोप ऑफ देयर वर्क। आराम से कंपनी के ऊपर एक नोटिस आया है, वो भी रेगुलेटरी नोटिस है। जब कंपनी के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो या कोई भी डिपार्टमेंट हो जब नोटिस भेजता है कंपनी के ऊपर, तो इसका मतलब कंपनी के ऊपर कोई ना कोई लायबिलिटी आने वाली है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी खुद को केस में डिफेंड कर ले और शायद कोई लायबिलिटी आए ही नहीं। पर शो कॉज नोटिस आना या कोई भी ऐसी नोटिस आना, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा बहुत लायबिलिटी तो है। इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी। विच लायबिलिटी? कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो टेल मी, क्या कंपनी को ये नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई नोटिस आया हुआ है? यस, बिकॉज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जितनी भी कंटिंजेंट लायबिलिटीज है उसका जो लिस्ट है वो कंपनी को देना पड़ता है, नोट्स टू अकाउंट्स में देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? तो ऑडिटर है ना, ये आर्ग्यू कर रहा है मैनेजमेंट के साथ कि ए सीएफओ, ए सीएफओ, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। सीएफओ बोलता है ऑडिटर यू स्टे विद इन योर लिमिट्स, यू आर गोइंग बियॉन्ड योर स्कोप। टेल मी, क्या सीएफओ कंपनी का सही बोल रहा है कि ऑडिटर अपने स्कोप के बाहर जा रहा है? भाई अगर चाइल्ड लेबर होता और मैं लेबर मिनिस्ट्री को बताता ना तो मैं स्कोप के बाहर जा रहा हूं, लेकिन साला अकाउंट्स में कुछ गलत जा रहा है अगर मैं उसको पॉइंट आउट करूं तो क्या मैं स्कोप के बाहर जा रहा हूं? एम आई आउटसाइड माई स्कोप और विद इन द स्कोप? एम आई आउटसाइड द स्कोप और विद इन द स्कोप? विद इन द स्कोप। तो जैसे ही सबने ये लोग आजकल बच्चों का कैसे क्वेश्चन देख लिए, समझ में भी आ गई सीएफओ गलत बोल रहा है, ये तो ऑडिटर के स्कोप में है। देख भी लिया, प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज वेल विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। अब समझो यही क्वेश्चन, अभी ये ना एज एन एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया है मॉड्यूल में, समझो यही क्वेश्चन आ गया, ब्रीफ आंसर 4 मार्क्स, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ऑलराइट, अपने को कैसा है ना, अपने को पता है लास्ट लाइन क्या है कि भाई ये तो ऑडिटर के स्कोप में है, करेक्ट, इतना पता है। पर साला ये नहीं पता वो उसको लिखे कैसे। तो जैसे स्कोप की बात आई, तो जैसे स्कोप की बात आती है कि स्कोप के अंदर क्या इंक्लूडेड है एंड क्या एक्सक्लूडेड, तो आपके मुंह से पहले इंक्लूडेड के लिए निकलना चाहिए सीडीआर, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी दैट आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ द इंफॉर्मेशन, एंड आर फॉर रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी। बट रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी नॉट ऑफ योर डायरेक्ट प्लान, ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये आप लिखोगे फिर बोलोगे डी फॉर डिस्क्लोजर के अंदर जाके ये बात बैठती है, एंड दैट इज वाई इट इज विद इन द स्कोप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप ना खुद ही November 23 तक के पेपर्स डाउनलोड करो और फिर May 24 ऑनवर्ड्स सब डाउनलोड करो, क्लियर डिफरेंस दिखेगा। November 23 तक के पेपर में आपको ये क्वेश्चन कैसे दिखेगा पता है? प्लीज मेंशन द एरियाज विच आर इंक्लूडेड विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, सीधा डायरेक्ट। और वही जवाब May 24 जो न्यू सिलेबस आया है उसका सिलेबस जब आप देखते हो तो पता चलता है साला वही थियरी कंसेप्ट पे उन्होंने क्या डाल दिया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऑडिट सब्जेक्ट बदल गया है, वो सिर्फ थियरी सब्जेक्ट नहीं है अभी। उनका इंस्टीट्यूट ने क्लियरली बोला था जब न्यू सिलेबस आया था तभी भी कि भाई हम अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे 60-65%, यानी 30-35% पेपर अभी भी थियरी रहेगा। तो अपने को अब सीडीआर भी आना चाहिए और साला उसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। पहले खाली सीडीआर से काम चल जाता था, अरे वो भी पूरा तो नहीं चलता था पर आधा पेपर 70-80% काम चल जाता था। तो क्या हो गया, सिलेबस बदल गया लेकिन प्रोफेसर ने खुद का स्टाइल चेंज नहीं किया है। तो आज भी मैं YouTube पे क्रैप देखता हूँ, ये सब May 24 ऑनवर्ड्स भी मैराथन लेक्चर ने, फुल ऑडिट इन 5 आवर्स ने, फुल ऑडिट इन 4 आवर्स, और उसमें कैसे ऐसे कोडवर्ड दे देते, तो आपको लगता है कंसेप्ट हो गया, कंसेप्ट नहीं हुआ, खाली आपको रट्टा हुआ। और जबकि कंसेप्ट के लिए ऐसी चीजें डिस्कशन करना जरूरी है।
तो पहले आपका मुझे माइंड क्लीन करना जरूरी है, दैट आप सिर्फ कोड वर्ड्स और शॉर्टकट्स के थ्रू नहीं जा सकते, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक वॉजिक सब क्लियर होना चाहिए। राइट, तो चलो एवरीवन ओवर हियर, अपने को इतना पता चल गया, एक और नोट लिखो। कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, स्कोप वाले पॉइंट में कंटिन्यू कर रहे हैं कि स्कोप के अंदर क्या इंक्लूड होता है, इंक्लूड क्या क्या होता है। इधर इधर इधर, स्कोप का आंसर लिखा था, फिर एक नोट लिखा था, क्या हुआ, खाना हजम नहीं हुआ अभी तक। स्कोप इंक्लूड्स व्हाट, सीडीआर, कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ईशान नहीं, हम बात करेंगे उसकी। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ईशान आप फर्स्ट टाइम सब्जेक्ट पढ़ रहे हो कि पहले थोड़ा पढ़ा हुआ है। कवरेज ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटिटी रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डी फॉर डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, रिलायबिलिटी एंड सफिशियंसी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। डन, ऑल राइट, डन। चलो एवरी वन ओवर हियर नाउ, वॉट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप, वॉट इज नॉट नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप। ये तो मैंने आपको जो लिखा है, आर्किटेक्ट वाला काम थोड़ी हम लोग करेंगे। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म ड्यूटीज विच फॉल आउटसाइड द डोमेन ऑफ हिज कॉम्पिटेंस। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्टन असेट्स लाइक दैट ऑफ सोफिस्टिकेटेड मशीनरी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय हिम। सिमिलरली, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन ऑडिटर टू डिटरमाइन सुटेबिलिटी राइट एंड लाइफ ऑफ सिविल स्ट्रक्चर्स लाइक बिल्डिंग्स। दिस रिक्वायर डिफरेंट स्किल सेट्स विच मे परफॉर्म बाई क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। ऑलराइट, एन ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट, नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखो भाई, अब अगर आपने वो ग्रेट लेजेंडरी एपिसोड देखे सीआईडी, अरे फिंगरप्रिंट स्कैनर करो ने, ये करो ने, वो करो ने, तो मैं थोड़ी, सपोज अगर आप ऑडिट कर रहे हो, अभी बैंक आईसीआईसीआई बैंक से स्टेटमेंट आया, वो दिख रहा है आईसीआईसीआई बैंक का स्टेटमेंट है, तो क्या आईसीआईसीआई बैंक में जाके कंफर्म करोगे कि क्या ये तुम्हारा ही स्टेटमेंट है, क्या ये तुमने ही भेजा है, कहीं मेरा क्लाइंट मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा। ऑलराइट, और अगर वो बोलेगा कि हाँ मैंने ही भेजा था, ठीक है तो तुम्हारे सर्वर से दिखाओ कैसे एक्सट्रैक्ट हुआ, ऐसे करेंगे क्या? ये सब हमको करना भी नहीं है और इसमें हम एक्सपर्ट है भी नहीं। रीजनेबली मैं सेटिस्फाई होना चाहिए कि हाँ भाई ये ओरिजिनल है। सो ऑडिटर इज नॉट एन एक्सपर्ट इन ऑथेंटिकेशन, यानी कोई चीज वैलिड है कि नहीं। द जेन्यूननेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स कैन नॉट बी ऑथेंटिकेटेड बाय हिम बिकॉज ही इज नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। और भाई, हम लोग नॉर्मल प्रोफेशनल एग्जामिनर से, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरह छह छह स्कॉर्पियो गाड़ी लेके नहीं उतरते कि चलो भाई दरवाजे बंद करो, फोन डिस्कनेक्ट करो, ऑडिटर आया है स्वागत करो, ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, दो दो दिन तक तो बेचारा क्लाइंट काफी बार एंट्री भी नहीं देता अपने को। ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन, मैंने आपको पहले बोला जेम्स बॉन्ड गिरी नहीं करते हैं। इतने हमारे पास लीगल राइट्स भी नहीं, आपको पता है कितनी गरीब चीज है ऑडिट। अगर आप वैसे पैसे कमाने में अच्छे हैं, और अगर आप लॉ की बात करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा अगर अपने साथ क्लाइंट कोऑपरेट नहीं करता तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास राइट क्या है? या तो रिपोर्ट में लिखो, या तो रिजाइन कर दो,
यानी ऐसा भी नहीं है कि हम कहीं पे कंप्लेन करेंगे तो अथॉरिटीज आके इन्वेस्टिगेट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। ऑडिट एक सिर्फ एग्जामिनेशन, इट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ही डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक लीगल पावर्स ऑफ सर्च और रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेस ऑन ओथ और विच में बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऐसा सब अपने पास पावर नहीं है। विटनेस को बुलाइए, ओथ पे एग्जामिन करिए, गीता पे हाथ रख के कहिए, वो लाफा मार देगा आपको, बोलेगा क्या तू कौन होता है बोलने वाला, हम हमारे पास कोर्ट वाले पावर ही नहीं है। विच में बी नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। ऑडिट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एकदम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करो। वो जो आज को एकदम थ्रिलर वेब सीरीज देखते हो, एकदम क्रिटिकल एग्जामिनेशन करो विथ अ स्पेशल पर्पस। सर ये थोड़ा समझाओगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ स्पेशल पर्पस? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा मैं क्या समझो, एक काम करो, मस्त क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नंबर 3। अ ह्यूज फायर ब्रोक आउट इन नोएडा प्लांट ऑफ केटी लिमिटेड। अच्छा तो कोई तो कंपनी में फायर हो गया। प्लांट असेट्स कंप्राइजिंग बिल्डिंग मशीनरी इन्वेंट्रीज वेर इंश्योर्ड फ्रॉम ब्रांच ऑफ अ पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो कंपनी ने कहीं से तो इंश्योरेंस लेके रखा था। अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करते पता है, इतना इजीली क्लेम पास नहीं करते, लोग भेजते चेक करने के लिए, आग कैसे लगी, किसने लगाई, कितना नुकसान हुआ, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे। सो अपार्ट फ्रॉम एन इंश्योरेंस सर्वेयर, वो एक सर्वेयर तो जाता है फोटो वोटो लेने के लिए सर, लेकिन जो बहुत बड़ा क्लेम होता है ना, तो लुक एट दिस, रीजनल ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस पीएसयू ऑल्सो अपॉइंटेड अ सीए। इंश्योरेंस कंपनी ना बड़े बड़े क्लेम्स के लिए ना सीए अपॉइंट करती है कि जा सीए जा, वहां पे जाके देख कि क्या रीजन थे, क्यों हुआ ये, कैसे हुआ, लॉस कितना हुआ वगैरह, फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी एंड सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द लॉस। ही वॉज ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सबमिट एन अर्ली रिपोर्ट। अब टेल मी, ये जो सीए है, वो जो ये जो कंपनी है केटी लिमिटेड जहां पे फायर हुआ है, उसके पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने के लिए गया है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ केटी लिमिटेड, कि एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ गया है? एक मिनट, ये सीए क्या करने के लिए गया है? क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ट्रू एंड फेयर पे ओपिनियन देगा? नहीं, ये सीए जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा, बट सिर्फ किसके लिए? ओनली विथ रिस्पेक्ट टू फायर एंड कितना लॉस हुआ। टेल मी, ये जो सीए है, ये इंश्योरेंस कंपनी ने क्यों अपॉइंट किया है? फॉर अ नॉर्मल एग्जामिनेशन और क्रिटिकल एग्जामिनेशन? वेरी क्रिटिकल एग्जामिनेशन। डोंट यू थिंक ये सीए को काफी सारे पावर्स दिए होंगे इंश्योरेंस कंपनी ने? यस और नो सर? तो टेल मी, ये जो पूरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये ऑडिट लग रहा है कि इन्वेस्टिगेशन? इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज ये सिर्फ एग्जामिनेशन नहीं है, इट इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन। और ये पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का है, बट विद अ वेरी स्पेसिफिक पर्पस। इसलिए हम कहते हैं, देखो वापस रीड करो, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स विथ अ स्पेशल। साला ये एक लाइन पे उन्होंने केस स्टडी सेट किया, लुक एट दिस। अब वो लोग बोल रहे कि ये क्या है, ये ऑडिट है कि इन्वेस्टिगेशन? तो हम बोलेंगे इट इज एन इन्वेस्टिगेशन। भाई ऑडिट में तो क्या होता है, पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो, फिर ओपिनियन एक्सप्रेस करो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी एक ओपिनियन देना होता है, ट्रू एंड फेयर व्यू है। इन्वेस्टिगेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक होते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस से, और उसमें खाली ऐसा ओपिनियन ही देना होता है। इन माय ओपिनियन, वो लाफ मार देगा इंश्योरेंस कंपनी, बोलेगा राइट क्या, रॉन्ग क्या, बता यस या नो, बता हुआ है कि नहीं हुआ ये बता, रीजनेबल अश्योरेंस नहीं चाहिए उधर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो एवरी वन ओवर हियर, अब पता चला वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। वन मोर टाइम, इन्वेस्टिगेशन इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन विथ अ स्पेशल पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, इफ फ्रॉड इज सस्पेक्टेड एंड इट इज स्पेसिफिकली कॉल्ड अपॉन टू चेक द अकाउंट्स वेदर फ्रॉड रियली एग्जिस्ट, इट इज अ कैरेक्टर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। स्कोप ऑडिट है ना एकदम जनरल होता है, आई रिपीट, ऑडिट एकदम जनरल होता है, जैसे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट, उसमें एकदम कोई एक एरिया पकड़ के एकदम डिटेल में चेक करना ऐसा नहीं होता, ब्रॉड होता है ऑडिट का स्कोप। कौन सा स्कोप होता है? ब्रॉड, कि देखो ये पूरा बैलेंस शीट पीएनएल है, बताओ वेदर इट इज शोइंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑर नॉट। पर अभी आपने जो इंश्योरेंस कंपनी वाला क्वेश्चन देखा, उसका टेल मी स्कोप कैसा था, एकदम स्पेसिफिक एंड नैरो, एकदम क्लियरली बोला था सिर्फ इतना चाहिए हमको। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। सो एवरीवन ओवर हियर, ये आप एक खुद को याद दिला दो,
ऐसा कुछ एक अच्छा सा कंसेप्ट है। स्कोप में ही, स्कोप में एक और नोट बनाओ। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, एक दो तीन पॉइंट अच्छे आने चाहिए आपको। ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट ऑडिट का डेफिनेशन। ऑडिट का डेफिनेशन वो तो नोट्स का फर्स्ट पॉइंट है, मैं वापस क्यों लिख के आपको पकाऊं, अननेसेसरी रिपीटेशन नहीं करना है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? क्रिटिकल एग्जामिनेशन। विद अ स्पेशल पर्पस। क्रिटिकल एग्जामिनेशन विद अ स्पेशल पर्पस। ऑडिट का जो स्कोप है वो जनरल होता है एंड ब्रॉड एरियाज कवर होते हैं। इन्वेस्टिगेशन इज वेरी स्पेसिफिक एंड नैरो। जैसे ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पूरे फाइनेंस स्टेटमेंट का इन्वेस्टिगेशन करो, भाई तो 7 जन्म लगेंगे। आपको क्लियरली बोलना पड़ता है कि कैश में मिस अप्रोप्रिएशन का डाउट लग रहा है, कि ये वाला इन्वेंटरी का प्रॉब्लम है क्या, राइट? ऑडिटर के पास लिमिटेड बजट नहीं, नहीं लिमिटेड लीगल पावर। इन्वेस्टिगेशन को दिए जाते हैं स्पेशल पावर्स। एंड मेन चीज, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने का, बस बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओल्ड सिलेबस इंटरसी में बोर हो गया था मैं ऑलमोस्ट इंटरसी छोड़ने वाला था। मतलब क्या पढ़ाने का यार, अरे रट्टा मराओ रट्टा मराओ रट्टा मराओ, ये दो लाइन रट्टा मारो, ये दो लाइन रट्टा मारो। अरे फिर ये न्यू सिलेबस का क्वेश्चन बैंक आया तब मेरे को थोड़ा वापस लाइफ आया। अदरवाइज आई रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ मोस्टली टू फाइनेंस ही है। फाइनल में अभी भी पढ़ाने लायक है, इंटर तो पूरा कॉमर्स ही बना दिया था पूरा, फिर अभी न्यू सिलेबस में थोड़ा मजा आया। ऑल राइट, डन एवरीवन? यस, ठीक है चलो। सो व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, वी आर वेरी क्लियर नाउ व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। ठीक है भाई, हम लोग बार 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 बोल रहे हैं कि तुम कितना भी करो ऑडिट में 100% गारंटी नहीं दे सकते, बिकॉज ऑडिट के अंदर हम लोग कौन सा अश्योरेंस देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस। व्हाई? बिकॉज ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम लिमिटेशंस। ऑडिटिंग सफर्स फ्रॉम, अभी ना इतना एक दो तीन घंटे स्पेंड करने का तो अभी आपको आइडिया आने लगा है क्या भाई ऑडिट में ना इतना कोई बहुत बड़ा मिरेकल नहीं है। अब आपको जैसे एक चीज तो पता ही है कि ऑडिटर के पास लिमिटेड लीगल पावर होता है जिसकी वजह से वो गारंटी दे सकता नहीं। अब मैं आपको ऐसी 4-5 चीजें बताऊंगा कि ऑडिटर गारंटी क्यों नहीं दे सकता। ऑलराइट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, और ये कॉन्सेप्ट हमेशा होता ही है पेपर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जैसे आप May 24 का पेपर देखोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन था इस पे मैं जो बोल रहा हूँ, वरना इनडायरेक्टली तो ये होता ही है कॉन्सेप्ट। कोई ना कोई तरीके से इंटरसी के पेपर में वो लोग चेक करने की ट्राई करते हैं कि आपको एटलीस्ट पता है कि नहीं पता है कि भाई ऑडिटर 100% गारंटी दे सकता नहीं। ऑलराइट, सो आप लोग थोड़ा नंबरिंग बराबर करना। ये फोर्थ पॉइंट आपका नोट्स में स्कोप ऑफ ऑडिट है, फिर नोट ए, नोट बी, नोट सी, फिफ्थ पॉइंट इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। Inherent limitations of auditing. भाई साहब खाली limitation word क्यों नहीं लिखा मैंने, inherent limitation क्यों लिखा? Inherent का मतलब क्या होता है? Unavoidable.
आप सीए स्टूडेंट्स हो, आप प्रैक्टिकल लाइफ डिस्कस करने में आपको पसंद आता है, यू लाइक इट. आपको पता है मैंने सबसे लेक्चर स्टार्ट किया तब से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ. तो टेल मी, कहना ऐसे हम लोग 24 घंटा भी ये लेक्चर कंटिन्यू कर सकते हैं? नहीं. अरे ना, मैं इतना इंटरेस्टिंग हूँ ना, किसी कोई भी इंसान के अंदर इतना पावर हो सकता है. ऑलराइट, आप चाहे कितने भी सिंसियर हो, 24 घंटा तो ये लेक्चर कंटिन्यू नहीं हो सकता. क्यों? बिकॉज क्या है भाई साहब, एक इंसान की क्या होती है, अनअवॉइडेबल लिमिटेशन. मैं अभी ऑडिट सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, दो मिनट में सिर्फ इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड क्लियर कर रहा हूं. इनहेरेंट लिमिटेशन का मतलब क्या होता है? अनअवॉइडेबल. चाहे तू कितना भी ट्राई कर, चाहे तू कितना भी ट्राई कर, अगर 24 घंटा ये लेक्चर चला रहा तो कल इधर एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी. ऑलराइट, मरेंगे ही मरेंगे. तो भाई ये इंसान की कौन सी लिमिटेशन है? इनहेरेंट लिमिटेशन. ऑलराइट, देखो सुनो, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लिमिटेशन एंड इनहेरेंट लिमिटेशन. अगर आप मुझे यहां से अंधेरी स्टेशन दौड़ने बोलोगे, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, मैं कोलैप्स हो जाऊंगा. ये इनहेरेंट लिमिटेशन नहीं, ये मेरी बनाई हुई लिमिटेशन. पर समझो ये थोड़ा ऐसा, ये लोग थोड़े ऐसे, थोड़े ऐसा एथलीट टाइप लगते हैं तीन लोग. समझो अगर तुम तीनों को भी मैं बोलूं कि यहां से लेके चर्च गेट तक कंसिस्टेंट दौड़ना है, तो इवन दो इनकी मेरी जैसी टमी नहीं है, फिर भी ये लोग दौड़ नहीं पाएंगे. अब ये लिमिटेशन नहीं है. कौन सी लिमिटेशन है? इनहेरेंट लिमिटेशन. तुम ना लिमिटेशन और इनहेरेंट लिमिटेशन वर्ड का डिफरेंस समझो. लिमिटेशन कुछ ऐसी चीज है जो आप फिर भी इंप्रूव कर सकते हो. जैसे कि मैं थोड़ी एक्सरसाइज करूं, वजन कम करूं, टमी कम करूं, तो शायद यहां से अंधेरी स्टेशन दौड़ पाऊं. अरे लेकिन ये लोग तो कितनी भी एक्सरसाइज करे, कुछ भी करे, सेम स्पीड पे इधर से चर्च गेट नहीं दौड़ सकते, नॉट इवन मिल्खा सिंह. अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये कौन सी लिमिटेशन है? इनहेरेंट लिमिटेशन. वन मोर टाइम, मैं आपको लिमिटेशन पढ़ा रहा हूँ कि इनहेरेंट लिमिटेशन? वन मोर टाइम, मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? लिमिटेशन की इनहेरेंट लिमिटेशन. दैट मीन्स अनअवॉइडेबल. अरे दैट मीन्स समथिंग विच यू कैन नॉट एलिमिनेट. यू कैन ट्राई टू रेड्यूस इट. तुम ट्राई कर सकते हो कि अच्छा काम करो, लेकिन 100% एलिमिनेट कर सकते हैं नहीं. ये तुम्हारी जिंदगी में रहेगी रहेगी. ऑलराइट, अब मैं आपको चार पांच चीजें बताऊंगा. ये चार पांच चीजों में ना आपको फील होना चाहिए कि हाँ यार, ये लिमिटेशन नहीं है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन है. लिमिटेशन कब लगेगा आपको? जब आपको लगेगा नहीं ये फिर भी इंप्रूव हो सकता है, नहीं इसमें और भी इंप्रूव कर सकते हैं. इनहेरेंट लिमिटेशन मतलब आपको लगेगा बस दिस इज द लास्ट पॉइंट, इसके बियॉन्ड हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं नहीं. When you feel helpless, when you feel helpless, all right. So मैं आपको चार पांच पॉइंट बताऊंगा, आपको फील होना चाहिए कि हाँ सर इनहेरेंट लिमिटेशन समझा रहे हैं, नॉट जस्ट लिमिटेशन. और एवरीवन ओवर हियर, अभी मत लिखना प्लीज. सबसे पहले FR सब्जेक्ट. FR का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब आपका अकाउंट सब्जेक्ट. उसके अंदर कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एस्टिमेट्स या जजमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है. फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी. अगर कंपनी पे कोई केस चल रहा है, अगर हारने के चांसेस कम है तो कंटिंजेंट लायबिलिटी, लेकिन अगर हारने के चांसेस ज्यादा है तो प्रोविजन. ऑलराइट, फिर ये जो एस्टिमेट्स होते हैं, अलग अलग वैल्यूएशन वगैरह होता है, कितनी सारी चीजें हैं जो फैक्ट्स 100% फैक्ट्स पे डिपेंडेंट, ऐसा नहीं है. का 30-40% इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन जजमेंट. कहना ऐसे अकाउंट सब्जेक्ट में काफी बार आपको जजमेंटल डिसीजन लेने पड़ते हैं, यस और नो सर? यस. अब टेल मी, कोई भी, मैं आपको दुनिया भर के अगर लीगल पावर्स भी दे दू, दुनिया भर का आपको नॉलेज भी दे दू, तो भी क्या आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जहां जहां प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी है, डेप्रिसिएशन है, ऑलराइट, क्या ये सारी जगह पे आप 100% गारंटी दे पाओगे? क्या आप 100% गारंटी दे पाओगे? नहीं. क्यों? साला अकाउंट सब्जेक्ट ही ऐसा है. अगर आप लेटर से भगवान भी बन जाओ, अगर आपके पास दुनिया भर के पावर्स भी हो, तो भी जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है? जजमेंट. जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व, मुंबई ऑडिट लेक्चर गोइंग ऑन, जहां पे जजमेंट इन्वॉल्व है वहां पे 100% गारंटी नहीं दे सकते. अच्छा, रिलायंस का ऐसा कौन सा आइटम है जिसमें जजमेंट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है? एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिजर्व्स. समुन्द्र के अंदर कितना तेल और गैस पड़ा हुआ है, क्या तू खुद की मार्केट बता सकता है कितना तेल और गैस है? नहीं. वो चीज किस पे डिपेंडेंट है? जजमेंट. थोड़ा बहुत तो जजमेंट पे डिपेंडेंट है ना,
कितना भी इंजीनियर्स लगा लो, कितने भी कैमरा लगा लो, थोड़ा बहुत तो कैलकुलेशन में अनसर्टेंटी होगा, यस और नो सर? यस। देन इन दैट केस साला हम करे तो करे क्या, अकाउंट सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है, वन मोर टाइम, अकाउंट सब्जेक्ट का नेचर ही ऐसा है कि उसके अंदर होते हैं एस्टीमेट्स, उसके अंदर होते हैं एस्टीमेट्स, एस्टीमेट्स के अंदर होती है अनसर्टेंटी, एंड बिकॉज ऑफ अनसर्टेंटी हम लोग एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते। आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस, येस और नो सर? यस सर। ऑलराइट, दूसरा जो मैं स्टार्ट पहले घंटे से बता रहा हूं कि यार अकाउंट सब्जेक्ट तो ठीक है, साला ऑडिट सब्जेक्ट भी तो ऐसा है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। मैं आपको फर्स्ट मोमेंट से क्या बता रहा हूं कि ऑडिटिंग एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, ऑडिटिंग एक प्रोफेशन है। अगर आप स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग भी पढ़ोगे ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो भी आप मेरे साथ पढ़ोगे ना, आपको रिफील होगा ये कि यार ऑडिट सब्जेक्ट बनाया ही ऐसे गया है कि आईसीए चाहता है कि आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन करो, फ्रॉड डिटेक्शन के एंगल से बनाया नहीं है इसको। वो हो गया तो ठीक है, बट फ्रॉड डिटेक्शन के एंगल से नहीं बनाया। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब आईसीए ने जो स्टैंडर्ड्स बनाए वो स्टैंडर्ड्स ही ऐसे है कि इट इज यूज्ड फॉर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन एंड नॉट फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। तो साला जब उन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए ही नहीं है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, तो मैं गारंटी कैसे दूं? जब तुम लोगों ने कोई चीज वो पर्पस से बनाई नहीं है, तो मैं गारंटी कैसे दूं? एंड चलो अगर मैं कुछ करने की ट्राई भी करूं तो कंपनी लॉ मेरे को रोक देता है, बिकॉज कंपनी लॉ के अंदर उतने पावर्स ही नहीं है हमारे पास। अरे आखिर मैं करूं तो करूं क्या? ये साला ऐसे और लॉ ने मिलाकर जो ऑडिट प्रोसीजर्स बनाए हैं उसके अंदर है पीएल लिमिटेशंस, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। विच लिमिटेशन? प्रैक्टिकल है ना, लीगल। एक जोक बोलू, एक ना सेक्शन है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वो इट सेज कि अगर आपको फ्रॉड मिला कंपनी में 1 करोड़ या उसके ऊपर, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। पर पहले क्या बोलते पता है, एक काम करो, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात कर लो, उनसे जवाब आया उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो। मतलब जिस कंपनी में मुझे फ्रॉड मिला है उसी के सीएफओ से बात करो। सीएफओ, फ्रॉड मिला है 2 करोड़ का, हाँ तुम्हारी कंपनी ने किया है। चलो चलो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, थैंक यू। अरे वो लोग किडनैप कर लेंगे मुझे। डोंट यू थिंक लॉ ऐसा होना चाहिए कि डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, साला ये लोगों ने जो ऑडिट प्रोसीजर्स बनाया है उसमें कौन सी लिमिटेशंस हैं? पीएल, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। एंड हम सबको पता है कि ऑडिट इज नॉट एन जब तुमने वो एंगल से चीज बनाई नहीं है तो मैं कहां से फ्रॉड डिटेक्ट करूं भाई? देन टेल मी, अब एकदम आम आदमी वाली बात करते हैं, आम आदमी पार्टी के नहीं, नो वन टॉक्स अबाउट देम, आम आदमी की बात करते हैं। अरे टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले हम, क्या लगता है आपको अमेजोन में एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे? अमेजोन इंडिया, फॉरगेट अबाउट अमेजोन ग्लोबल, एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन होते होंगे? जितने आसमान में तारे मेरे को भी नहीं पता है। ऑलराइट, आप गूगल करोगे तो शायद वो डेटा मिलेगा तो नहीं मिलेगा, बट लैक्स एंड लैक्स ऑफ ट्रांजेक्शन तो होते होंगे। देन इन दैट केस क्या आप 100% एक एक ट्रांजेक्शन एज एन ऑडिटर वेरीफाई कर सकते हो? नहीं, बिकॉज ऑफ टाइम प्रॉब्लम। और चलो अगर आप बोलो सर टाइम का क्या प्रॉब्लम है, आर्टिकल्स है ना, 200 आर्टिकल लगा दो आप, अरे देन देयर इज अ कॉस्ट प्रॉब्लम आल्सो। टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं भाई, टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, ऑडिटर अडॉप्ट्स सैम्पलिंग टेक्निक। लाखों में से कुछ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हम वेरीफाई करते हैं, सारे तो नहीं कर सकते। सैम्पलिंग टेक्निक यूज करने का कहना इसे एक डिसएडवांटेज है, दैट यू मे फेल टू डिटेक्ट सम मिसस्टेटमेंट्स, यस और नो सर? कुछ एरर या फ्रॉड छूट जाएंगे, पर छूट जाएंगे तो छूट जाएंगे। टाइम एंड कॉस्ट प्रॉब्लम इज अ रियल प्रॉब्लम, अरे अब नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। और अमेजोन का थोड़ी वो बॉस ऐसा बैठा है, अमेजोन का मैनेजर तो सॉरी अमेजोन का ओनर थोड़ी ऐसे बैठा है क्या भाई ऑडिटर कितना पैसा लगेगा, 400 करोड़ रखो, ऐसे थोड़ी कोई हमको पैसे भी देता है। रिलायंस का ऑडिटर की फीस भी 6-6.5 करोड़ के आसपास है, एंड विच इज रीजनेबल, नॉट अ वेरी गुड फीस, क्योंकि रिसोर्स भी तो उतना लगाना पड़ता है।
सो बिकॉज ऑफ दिस टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स ऑडिटर 100% वेरिफिकेशन कर सकता नहीं, और जब मैं 100% वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाऊंगा तो कहां से गारंटी दूं? टेल मी, ये सब आपको नॉर्मल लिमिटेशंस लग रही है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस? आपको लग रहा है ना कि तू कितना भी ट्राई कर इसमें 100% गारंटी दे सकता नहीं। सुबोध, आपको अदानी एंटरप्राइजेस के बारे में क्या लग रहा है इस वक्त? क्या लग रहा है कि नेक्स्ट 12 मंथ्स के अदानी एंटरप्राइजेस कंटिन्यू कर पाएगा? ऑब्वियसली यस, एनडीए 3.0, सो नेक्स्ट 12 मंथ्स तो कंटिन्यू कर पाएगा। मतलब आपको इस वक्त अदानी एंटरप्राइजेस के गोइंग कंसर्न पे कोई डाउट नहीं है, बराबर? समझो एक हफ्ते बाद एक रिपोर्ट आती है जो कहता है कि अदानी ने काफी सारे स्कैम किए हुए हैं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक हाई पावर्ड कमिटी बनाई, पता चला 3,000 करोड़ के स्कैम है, प्रूव हो गया, अदानी एंटरप्राइजेस पे ताला लग गया। अब लेटेस्ट 2 महीने पहले आपको लग रहा था कि सब कुछ बराबर है, तो कहना ऐसे एज एन ऑडिटर आपका गला पकड़ना चाहिए। आपको लग रहा था ना नेक्स्ट 12 महीना चलेगा, अब नहीं चला, 2 महीने बंद हो गया, तो कहना ऐसे यू शुड बी हेल्ड लायबल? नहीं, अबे नेक्स्ट 2 दिन का लाइफ में पता नहीं होता है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? नेक्स्ट 12 मंथ्स, एटलीस्ट 12 मंथ्स तो एंटिटी कंटिन्यू करेगी। टेल मी, गोइंग कंसर्न क्या आपको ऐसा लगता है कि ये मैटर ऐसी है जिसके ऊपर हम गारंटी दे सके? अच्छा, पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वो एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन पे बनते हैं, गोइंग कंसर्न इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, यस और नो सर? जब साला फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन ही नेक्स्ट 12 महीने पे डिपेंडेंट है, और नेक्स्ट 12 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो कोई नहीं बता सकता, तो मैं गारंटी कहां से दूं? ये तो कुछ कुछ मैटर्स ही ऐसी होती है, जैसे मैं वो उसका नाम लूंगा ना आपको लगेगा कि भाई इस पे गारंटी तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑलराइट, दूसरा, टेल मी, छोटे मोटे एम्प्लॉयज जो इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉड में, स्टॉक डिपार्टमेंट वाले हैं, कैश डिपार्टमेंट वाले हैं, यू नो, ऐसे छोटे मोटे लेवल पे अभी भी फ्रॉड फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन जब बड़े लेवल के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, CFO, डायरेक्टर्स, चेयरमैन, तो कैन आई से दे हैव वेरी गुड पावर? कैन आई से वो लोग पूरी की पूरी कंपनी मैनिपुलेट कर सकते हैं? यस और नो सर? छोटे छोटे फ्रॉड तो फिर भी फाइंड आउट हो जाते हैं, लेकिन जो सीनियर मैनेजमेंट वाले फ्रॉड होते हैं, कौन से फ्रॉड? सीनियर मैनेजमेंट वाले फ्रॉड, वो फाइंड आउट करना डिफिकल्ट होगा कि इजी होगा? एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ कुछ मैटर्स ही ऐसी है जिसमें आप गारंटी नहीं दे सकते। अब टेल मी, आपने यहाँ पे एडमिशन लिया, फी रिसीट जनरेट हुई, आपके ऐप में देखना फी रिसीट जनरेट होती है, वो फी रिसीट आप प्लीज ओपन करके देखना, उसमें GST कैलकुलेशन दिखेगा आपको, ये GST कैलकुलेशन। इसका मतलब टेल मी, क्या मैं गवर्नमेंट को GST पे कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? जरूरी थोड़ी तुम, अच्छा हम दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन हुआ B2B है कि B2C? B2C, मैं बिजनेस तू कंज्यूमर। जब बिजनेस टू बिजनेस होता ना, जैसे मेरे और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले के बीच में ट्रांजेक्शन होता ना, तो हम लोग प्रॉपर GST सब पे वगैरह सब प्रॉपर करते हैं। क्यों? बिकॉज वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी वाले को पता है कि मैं GST क्लेम करने वाला हूं। B2B में प्रॉपर पे होता है। अब तुम कहां इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जाने वाले हो? तुम तो कंज्यूमर हो, तुमने रिसीट ले ली, तुम तो सेटिस्फाई हो गए, रिसीट तो मिल गई, तुमको सर्विस से मतलब है, आप लेने जाने वाले हो इनपुट टैक्स क्रेडिट? नहीं, तो आपको कैसे पता कि मैं पे कर रहा हूं कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, मैं चोर नहीं हूं, मैं पे करता हूं ऑन रिकॉर्ड, तो मैं हमेशा पे करता हूं। बट अगर मैंने चोरी की तो मेरे ऑडिटर के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, करेक्ट? बिकॉज आपने जो एडमिशन लिया वो तो ऐप है, मेरा अकाउंट तो टैली सॉफ्टवेयर में होता है, मैंने थोड़ी ऐप और टैली को कनेक्ट किया है। मैंने यहां पे सपोज 2,000 रिसीट जनरेट की, टैली में 500 रिसीट दिखा है, ऑडिटर तो डेटा ही टैली से निकालता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अनलेस वो मेरे ऐप में आके रिकंसाइल करे तो बात अलग है। ओके, तो टेल मी, अगर मैं GST डिपार्टमेंट की चोरी कर रहा हूं तो प्लान करके करूंगा कि अनप्लैंड करूंगा? प्लान करके। जब भी कोई लॉ तोड़ता है तो कैन आई से इट इज वेरी वेल प्लान्ड? यस और नो सर? तो टेल मी, फॉर माय ऑडिटर टू फाइंड आउट कि मैंने लॉ तोड़ा है नहीं तोड़ा, इट विल बी डिफिकल्ट और इट विल बी इजी? डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बिकॉज मेरा ऑडिट, वो तो आपको मैंने पूरा वर्किंग बताया, इसलिए मेरा ऑडिटर आएगा तो उसको तो थोड़ी बताऊंगा कि ऐसे हम लोग ऐसे जनरेट करते ये करते वो करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आधे एडमिशन तो आधे के 95% रिकॉर्डेड वर्जन में एडमिशन,
वो फेस टू फेस में फिर भी ऑडिटर कभी सरप्राइज विजिट करे देखे हैं, अभी तो बच्चे की तरह इनविजिबल. ऑलराइट, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर माई ऑडिटर टू फाइंड आउट दैट. रस्ते हैं अलग अलग, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रस्ते हैं अलग अलग. ऑलराइट, जैसे बोल रहे सर आप तो कैश ले, आप तो कैश नहीं ले रहे हो, आप तो ऑनलाइन ले रहे हो, तो इट इज वेरी इजी फॉर द ऑडिटर टू फाइंड आउट. ऑलराइट, अब तुझे कहाँ पता है कि मैंने कितने बैंक अकाउंट के साथ कनेक्ट करके रखा है, तेरा पैसा मेरे बिजनेस अकाउंट में गया कि मेरी वाइफ के अकाउंट में, तेरे को थोड़ी मतलब ऐसे आई एम जोकिंग. तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर माई ऑडिटर टू फाइंड आउट दैट. ओके, तो आप लोग सब मानते हो कि नॉन कंप्लायंस विथ लॉ, आई रिपीट, नॉन कंप्लायंस विथ लॉ मैटर ही ऐसा है कि जब भी मैनेजमेंट लॉ तोड़ता है एकदम प्लान करके तोड़ता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू फाइंड आउट. तुम लोग भी स्कूटी वूटी चलाते हो तो हेलमेट नहीं रहता है, तो एकदम देखते हो ना ट्रैफिक पुलिस नहीं निकल ले. अरे ऐसे दिमाग से करते हो ना. ओके, ये सामने जाते हो अंकल हेलमेट नहीं, ऐसे थोड़ी करते हो. अच्छा, आपको पता है मेरी कंपनी का अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखोगे तो मैंने ना 10 लाख रुपए का एक्सपेंस दिखाया है, वह एक्सपेंस मेरे वाइफ के नाम पे दिखाया है. अच्छा, मेरी वाइफ के नाम पे अलग से एक कंपनी खोल के रखा है, C3 प्लेसमेंट, हम लोग रिक्रूटमेंट का भी काम करते रहते हैं, जॉब दिलाने का काम. तो मैंने क्या किया, एक दिन वाइफ को इधर बुलाया, फोटो वोटो खींचे, है ना, वैसे तो मैं उसके फोटो लेता रहता हूँ, इधर क्लास में लिए स्टूडेंट के सामने, स्टूडेंट को नहीं पता मैंने फोटो क्यों लिए. अरे तो ऐसे मैंने बोला, ऐसे बोल रही हो, ऐसे एक्टिंग कर, जैसे वो बोल रही है, ऐसे फोटो लिए. फिर उसका मैंने बिल बनाया, माई वाइफ टुक अ सेशन एंड ट्रेंड स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन इंटरव्यू, हाउ टू मेक CV. ऐसे हर एक बैच में ऐसे एक फोटो ले लेता हूँ मैं. अरे तो ऐसे मेरे पास 100-200 फोटो जमा हो गए, तो एक 15-20 लाख का बिल बना दिया. अरे कि उसने सेशन लिया था ट्रेनिंग का, अरे कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं दी, बच्चों को भी नहीं पता फोटो क्यों लिए. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो टेल मी, मेरी वाइफ की जो कंपनी है C3 प्लेसमेंट्स और मैं द ऑडिट अकेडमी, टेल मी क्या ये दोनों एंटिटीज जो अलग अलग एंटिटीज है, क्या इट इज ओन्ड बाय द सेम फैमिली? यस. अरे माय वाइफ इज अ फैमिली. हेलो, तो ये दो एंटिटीज एक दूसरे की क्या हुई? रिलेटेड पार्टीज. विच पार्टीज? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम है टेररिज्म, क्लाइमेट एंड तीसरा प्रॉब्लम है रिलेटेड पार्टीज. हाँ, एक सब्सिडरी के साथ ट्रांजैक्शन करो 2 करोड़ का, इधर 4 करोड़ का, खर्चे दिखाओ, ये करो वो करो. टेल मी रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. टेल मी अगर आज मेरा ऑडिटर आया और बोलेगा कि सर ये तो 15 लाख रुपए का आपने जो खर्चा दिखाया तो गलत है, तो मैं 200 फोटो दिखाऊंगा उसको और बोलूंगा ये देख. तो टेल मी मैंने ये पूरा प्लान करके किया कि अनप्लैंड था? प्लान. एंड इसमें मेरी कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, रिलेटेड पार्टी की अनरिलेटेड पार्टी? क्या आपको ये डर लग रहा है कि मेरी वाइफ शायद ऑडिटर को जाके बोल देगी कि प्रज्ञेश सर उल्लू बना रहे हैं? नहीं, उतना तो मुझे ट्रस्ट है बिकॉज पैसा उसके अकाउंट में, नॉट बिकॉज ऑफ इमोशनल कनेक्शन. सो कैन आई से दैट रिलेटेड पार्टीज हमेशा हमारा साथ देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज वेरी इजी टू कमिट अ फ्रॉड एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑडिटर टू फाइंड आउट दैट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सुनो मेरी बात, यानी कि कुछ कुछ मैटर्स ही ऐसी है, कुछ कुछ मैटर्स ही ऐसी है वेर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स. कौन सी मैटर्स है ऐसी? कोड वर्ड दे दो, मैंने आपके साथ 4 बातें की. GF इज रिलेटेड टू इन लॉस, G फॉर गोइंग कंसर्न, F फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड इन लॉस से याद आता है लॉज एंड रेगुलेशन. ये 4 चीज ही ऐसी है कि जब भी मैनेजमेंट ये करेगा इतना प्लान करके करेगा कि इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट दैट. आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस. चलो एक ट्राई करते हैं. खाली आप यस यस बोल रहे हो कि यस यस यू मीन दैट इज यस? या अरे यार अभी तो ओपन करके देखा था मैंने, क्वेश्चन किधर गया? KJ Limited was having a pager manufacturing plant and looking at the demand, it was of the view that the company will grow continuously in future. Aisa lag raha tha ki company will grow continuously in future. But with the introduction of mobile phones in the market, the plant was shut down completely. Kya ye? पेजर, कभी पेजर सुना है आपने? क्या वो इधर रखते थे ऐसा छोटा सा डॉक्यूमेंट, छोटा सा ऐसा डिवाइस जिसमें से मैसेज भेज सकते थे खाली,
एक 60 वर्ड्स या 60 लेटर्स ऐसा कुछ तो था मैक्सिमम। वही तो बहुत पुराना हो गया भाई, मैंने भी फोन नहीं यूज नहीं किया। ऑलराइट, तो ऐसा रखते थे। बहुत बहुत पुरानी मूवी देखोगे तो पेजर, तो पुष्पा में पेजर यूज करते हैं। हाँ वेरी गुड, बस ऐसे ऑडिट सब्जेक्ट याद रखना है दोस्त। हाँ अब मैं ऐसे पढ़ूंगा, एवरी वन फोकस ओवर हियर, लुक एट दिस। देख क्या हो गया गले को। तो पेजर का प्लांट इसने किया, ऐसा लग रहा था कंपनी ग्रो करेगी, बट जैसे ही मोबाइल फोन आए पता नहीं सालों ने 1990 की केस स्टडी रिपीट कर दी, जैसे ही मोबाइल फोन आए प्लांट वॉज शट डाउन कंप्लीटली। द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी वेर ऑफ द व्यू दैट ऑडिटर फेल्ड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी एंड हैव नॉट इन्फॉर्म्ड टू देम अबाउट कंपनीज एबिलिटी टू कंटिन्यू इट्स बिजनेस, अदरवाइज दे माइट नॉट हैव सफर्ड द लॉस। जिस दिन ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट साइन कर रहा था, ऑडिटर को पता था क्या मोबाइल फोन आने वाले हैं? नहीं। तो क्या ऑडिटर गारंटी दे सकता है इसमें? लिस्ट डाउन द फैक्टर्स गिविंग राइज टू इनहेरेंट लिमिटेशंस ड्यू टू विच ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड अ गारंटी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? कितना मार्क्स है? शिट, एक दो तीन चार, चार पॉइंट इधर। ये तो मेरा फिर भी समरी नोट से है, ये इधर देख तो बाबा, ये आधा पेज एक पेज का लिखने का, वो अभी ये तो फॉन्ट साइज 12 या 11 ही तो उसमें तीन तीन मार्क देगा तो कहना इसे बहुत ना इंसाफी है, यस और नो सर। पर मुझे एक बात बताओ, उन्होंने आपसे पूरा पूरा का पूरा आंसर मांगा भी नहीं। अब मुझे बात बताओ, जब आप ये क्वेश्चन देखते हो, किधर गया क्वेश्चन? हाँ, तो मैंने आपके सामने चार पॉइंट रखे हैं। हाँ, जूम में सब लोग मेरे को ऐसे जवाब देना जरा, 1 2 3 4। क्या लगता है आपको, ये क्वेश्चन में मुझे चारों के चार पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे या कुछ सिलेक्टेड पॉइंट एक्सप्लेन करने पड़ेंगे? विच वन? विच वन? फर्स्ट एंड फोर्थ? फर्स्ट में नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेक्स्ट 12 महीने में क्या होगा क्या नहीं होगा, इट इज एन एस्टिमेट, एस्टिमेट इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड दैट इज वाई एब्सोल्यूट अश्योरेंस नॉट पॉसिबल। फिर ये फोर्थ में ना ये जी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि गोइंग कंसर्न इज अ मैटर ऑफ फ्यूचर इवेंट्स एंड ऑडिटर कैन नॉट प्रेडिक्ट फ्यूचर। तो पूरा फोर्थ नहीं, खाली फर्स्ट एंड फोर्थ का ये जी वाला पॉइंट उतना एक्सप्लेन करूंगा, दे विल गिव यू माय 3 मार्क्स। क्योंकि अगर आप यू नो टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स ये सब एक्सप्लेन करोगे, टाइम एंड कॉस्ट का तो बात ही नहीं था उधर। अच्छा, टाइम एंड कॉस्ट वाला बात कौन से क्वेश्चन में आता? कि समझो आपको अमेजोन वाला क्वेश्चन देते कि एक दिन के 1 लाख ट्रांजेक्शन हो रहे, ऑडिटर ने डिसाइड किया कि 1 लाख तो नहीं हो पाएंगे, तो वो रोज के 2-3 हजार ट्रांजेक्शन वेरीफाई करेगा। इसके पीछे कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन है? इसके पीछे कौन सी इनहेरेंट लिमिटेशन है? टाइम एंड कॉस्ट। तो पकड़ो भाई, पॉइंट्स पकड़ो। मैं आपको चैलेंज करता हूं, यही क्वेश्चन आप मई 18 में देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन, मेंशन द इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, एक लाइन का क्वेश्चन। अरे अभी एक लाइन के आंसर के लिए एक पेज का क्वेश्चन, करेक्ट। तो इट्स, अगर आप सारी, अब देखो, अब मेरे को कुछ बच्चे बोले थे पेपर में आके मई 24 के कि सर पेपर लेंदी था, इजी था लेकिन लेंदी था। अभी उनको लेंदी लगेगा ना, जो खाली ऐसे पढ़ के गए हैं। इनहेरेंट लिमिटेशंस मींस फैक्टो 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 फैक्टो। एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर, सी फॉर कॉस्ट, टी फॉर टाइम एंड ओ फॉर अदर मैटर्स। इन अदर मैटर्स जीएफ इज रिलेटेड टू इन लॉस। जिसने ये पूरा आंसर लिखने की ट्राई की तो उसको तो लेंदी लगेगा ही, लेकिन जो साला कॉन्फिडेंट है वो बोलेगा कि मेरे को सिर्फ फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करना है इसमें एंड ये फोर्थ पॉइंट का जी वाला मैटर एक्सप्लेन करना है, बाकी पूरे आंसर का तो इधर लेना देना है ही नहीं। आई वॉन्ट अ कंफर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस और नो सर? यस और नो सर? यस सर। ऑलराइट, सो एवरीवन ओवर हियर, प्लीज गिव द हेडिंग इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑलराइट एवरीवन, राइट डाउन ओवर देयर inherent limitations of auditing. Inherent limitations means unavoidable, you cannot eliminate. Divide into 4.
फर्स्ट नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बस जो स्टडी मटेरियल का डाउट पूछ रहा था वो इतना ध्यान रखना, ये एटीट्यूड लास्ट लेक्चर तक रखना, फिर तो मुझे मजा आएगा। लास्ट लेक्चर आते आते फिर सर कुछ समरी है क्या, समरी दे दो सर, 40 मार्क के नाम पे समरी दे दो सर, भगवान आपको खुश रखेगा सर, गरीब की दुआ लगेगी। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर ये बच्चे टेलीग्राम में ढूंढेंगे हाउ टू कवर फुल सब्जेक्ट इन 2 आवर्स, टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, एंड फोर्थ अदर मैटर्स। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स एंड फोर्थ अदर मैटर्स। मेरे साथ लिखो, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मेन पॉइंट क्या है, एस्टीमेट्स। एस्टीमेट्स में होती है अनसर्टेंटी। नोट्स में सिर्फ थोड़े थोड़े कीवर्ड्स ही लिख रहे हैं हम लोग, एस्टीमेट्स में होती है अनसर्टेंटी। एंड बिकॉज ऑफ दिस अनसर्टेंटी एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट अश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल। All right. And nature of audit procedures. Nature of audit procedures. Audit procedures किसने दिए आपको? SA plus law. Audit procedures किसने दिए? SA plus law. और ये एसए प्लस लॉ ने जो भी प्रोसीजर्स दिए हैं डाउन एरो, इसके अंदर क्या है, पीएल लिमिटेशंस, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशंस। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ये अगर साइन नहीं समझता रहेगा तो इज नॉट लिख देना, ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, ऑडिटर अडॉप्ट्स सैंपलिंग टेक्निक। ऑडिटर अडॉप्ट्स सैंपलिंग टेक्निक, और इसकी वजह से क्या होता है, ही मे फेल टू डिटेक्ट एरर और फ्रॉड। अभी सैंपलिंग टेक्निक लेनी क्यों पड़ी उसको, टाइम एंड कॉस्ट की वजह से। ये टाइम कॉस्ट में मुझे और भी बात करनी है पर वो टेक्स्ट बुक से दिखाऊंगा। अदर मैटर्स, ऐसी मैटर्स वेर इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, वो लोग ना बोलेंगे इसके एग्जाम्पल्स दो, जबकि आपने मॉड्यूल में देखा उसमें खाली ये जी फॉर गोइंग कंसर्न को लेकर ही था, फ्यूचर इवेंट्स को लेकर। मैंने ये चार मैटर क्यों लिखा है, बिकॉज ये तीन चार अलग अलग चैप्टर में दिया गया है ये कंसेप्ट, वो चारों को कंबाइन किया, और ये चारों को कंबाइन करके मैंने ऐसा क्यों लिखाया, बिकॉज July 21 में उसके ऊपर क्वेश्चन था कि चार एग्जाम्पल दो। ऑलराइट भाई, तेरे को आइडिया भी नहीं है मेरा कितना रिसर्च होता है एक एक नोट के पीछे। ऑलराइट, सो डिफिकल्ट टू डिटेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, वो जो खाली मॉड्यूल में टिक मार के पैराग्राफ खत्म करने वाले प्रोफेसर में से नहीं हूं मैं। जीएफ इज रिलेटेड टू इन लॉस, ओके। जी फॉर गोइंग कंसर्न असेसमेंट, एफ फॉर फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट, फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट। रिलेटेड से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, आई डोंट हैव स्पेस, प्लीज नोट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस।
एंड इन लॉज में नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस। May 24 है ना, वो अभी भी क्या है, न्यू सिलेबस का फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए सरप्राइजिंगली 70-75% जो मॉड्यूल में पीछे क्वेश्चन नहीं होते टेस्ट और नॉलेज के, अरे जो मैं करवा रहा हूं अभी, कॉपी पेस्ट कर दी है, चेंज एक वर्ड भी चेंज नहीं किया, ऐसे कॉपी पेस्ट करते गए। ऑलराइट, 70-75% क्वेश्चन। तो काफी प्रोफेसर का भी नया स्कैम चालू हो गया है, May 24 का पेपर दिखा के बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं कि देखो देखो जो पढ़ा रहा वही है, मैं भी अभी दिखा रहा हूं, लेकिन सच्ची बताओ रियल कॉन्फिडेंस बूस्ट कब होना चाहिए, जब May 24 के मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो। ऐसे फाड़ू मॉक टेस्ट पेपर आए थे जैसे न्यूयॉर्क की पिच T20 वर्ल्ड कप में, इतने खराब पेपर थे। वो पेपर्स देख के आधे बच्चों ने May 24 अटेम्प्ट ही छोड़ दिया, मतलब मेरे को नहीं देना है, क्योंकि वो लोग तो अपने वो रट्टा वाले बच्चे थे और अचानक से इतना हाई कंसेप्ट मैं छोड़ दिया, जबकि अगर उन्होंने सिर्फ मॉड्यूल क्वेश्चंस पढ़ के भी गए होते May 24 में तो भी 70-75% कॉपी पेस्ट हो गए थे। तो ये ऐसा हो गया कि वार्म अप मैच बहुत डिफिकल्ट गया लेकिन मेन मैच में जीत गए। करेक्ट, तो यू शुड ऑलवेज टेक योर चांसेस विद रिस्पेक्ट टू अटेम्प्ट्स। बट मेरी इच्छा ये है कि जब हम लेक्चर एंड करें, जब हम सिलेबस एंड करें, तब हम लोग May 24 का मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करें। उसमें से अगर आपको 60% भी आ गया ना, तो समझ लो आपको फाइनल एग्जाम में एग्जेम्पशन आएगा, बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। उसके MCQs, उसका क्वेश्चन का स्टाइल, सब कुछ बहुत डिफिकल्ट था, मतलब ऐसा पेपर मैंने इंटर में देखा ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो देखेंगे हम लोग, चलो मुझे वहां तक लेके जाना है, इसलिए उसकी प्रिपरेशन चल रही है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, कोडवर्ड क्या रहेगा? फैक्टो। F फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, A फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, C फॉर कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स, T फॉर टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड O फॉर अदर मैटर्स। अदर मैटर्स के अंदर कौन सी मैटर्स है? GFA इज रिलेटेड टू इन लॉज। यस, जूम में एवरीवन विथ मी? यस, चलो भाई, वेरी गुड। अब सुनो मेरी बात, ये सब आपने खाली मेन खाली थोड़े बहुत वर्ड्स लिखे हैं, थोड़ा अपने को टेक्स्ट बुक में जाके रीड करना पड़ेगा, और सब कुछ ये नोट्स में कवर नहीं हो सकता, और फिर भी मैक्सिमम मैंने करके दिए हैं। लुक एट दिस, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एंड कैन नॉट रिड्यूस ऑडिट रिस्क टू जीरो एंड कैन नॉट देयरफॉर ऑब्टेन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। पहले तो ना ये लाइन को समझो, ये लाइन वो लोग क्वेश्चन में यूज करेंगे। ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू, ये ऑडिटर से एक्सपेक्टेड है भी नहीं, और अगर आप एक्सपेक्ट करोगे तो ऑडिटर कर भी नहीं पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा? ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर पाएगा। सर व्हाट इज ऑडिट रिस्क? वैसे ऑडिट रिस्क ये दो शब्द के पीछे मैं 40 मिनट्स देने वाला हूं, पर वो चैप्टर 3 में, अभी शॉर्ट में बताता हूं। ऑडिट रिस्क का मतलब है रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग रॉन्ग ओपिनियन। क्या? रिस्क ऑफ एक्सप्रेसिंग रॉन्ग, ये रिस्क को मैं जीरो कभी भी नहीं कर सकता, रिस्क जीरो नहीं कर सकता, यानी 100% गारंटी नहीं दे सकता। So auditor is not expected to and cannot reduce audit risk to zero and cannot therefore obtain absolute assurance that the financial statements are free from material misstatement due to fraud or error. This is because there are inherent limitations. The inherent limitations of an audit arise from F for financial reporting. The preparation of financial statement involves judgment by the management. देखो मेन चीज क्या है, मैंने क्या लिखा था? एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स में होती है अनसर्टनिटी, वही सब चीजें दिखेगी आपको। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट, ऑलराइट, बाय द मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ AFRF। इन एडिशन मेनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स इन्वॉल्व सब्जेक्टिव डिसीजंस, डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी एंड देयर मे बी रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल इंटरप्रिटेशंस और जजमेंट्स। अब आपको मेरी बुक और मॉड्यूल में डिफरेंस क्या दिखेगा पता है? जैसे अगर आप ये देखोगे नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, करेक्ट, ओके, तो उन्होंने ये सब
ये इतना तो मैंने भी लिखा है, उसके बाद उन्होंने दिया है एग्जाम्पल। अब ये चीज मैंने बार बार इधर नहीं की है बुक के अंदर, जो जो डिफिकल्ट एग्जाम्पल्स थे वो दिए है, फालतू में एग्जाम्पल दे दे के कंटेंट को एक्सटेंड नहीं किया है, वरना फिर डिप्रेशन आ जाता है बच्चे को। तो ऐसे सोच सोच के एक एक दो दो लाइन मैंने निकाल दी है। ऑलराइट, तो कभी भी मॉड्यूल का कोई कंसेप्ट मेरी बुक में कवर नहीं, ऐसा नहीं होगा, कंसेप्ट होगा ही होगा, थोड़ी बहुत लाइंस शायद नहीं होगी जो जिसकी जरूरत नहीं थी। जैसे कि अगर आप बोलते हो सब्जेक्टिव डिसीजंस असेसमेंट, अरे भाई कितने सारे एग्जांपल है, प्रोविजन, कंटिंजेंट लायबिलिटी, ये सब सब्जेक्टिव डिसीजंस ही तो है। ऑलराइट, तो मुझे पता है कहां पे बच्चे को एग्जांपल देने की जरूरत है, कहां पे नहीं है, वहां पे ऐसे दो दो तीन तीन लाइन आपको दिखेगा कि मैंने एलिमिनेट किया हुआ है जो जरूरी है, वरना आप पागल हो जाओगे फिर। ओके, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, एक मिनट, ऑडिट प्रोसीजर्स किसने बनाई है, किसने बनाई है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लॉ। अरे ऑडिट प्रोसीजर्स किसने बनाई है, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग एंड लॉ, ये लोग दोनों मिलाकर ही ऑडिट सब्जेक्ट बनाते हैं ना। अच्छा, उसके अंदर कौन सी लिमिटेशन है, प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन। अब सुनो, वो लोग ना काफी बार ये प्रैक्टिकल एंड लीगल लिमिटेशन देके बोलते हैं प्लीज एक्सप्लेन इट विथ एग्जाम्पल। एक मिनट, दो एग्जाम्पल तो है आपके पास, एक ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, दूसरा ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल पावर्स, ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल। एक और चीज ऐड कर सकते हो, ऑडिट इज डिजाइंड इन सच अ मैनर, ऑडिट इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। वन मोर टाइम, ऑडिट इज डिजाइंड इन सच अ मैनर दैट इट इज नॉट इफेक्टिव फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। ऐसे करके एक दो एग्जाम्पल देके बात खत्म कर देंगे। और ये देखो, ऑडिट प्रोसीजर्स मे बी इनइफेक्टिव, बकवास है ऑडिट प्रोसीजर्स फ्रॉड डिटेक्शन के लिए। ये क्यों गवर्नमेंट हमसे ये सब एक्सपेक्ट करता है मेरे को पता ही नहीं, जब तुमने पावर ही नहीं दी है तो। एंड ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, और काफी बार क्या होता है मैनेजमेंट हमको पूरा डेटा नहीं देता, हम बोलते मैनेजमेंट डेटा दो, डेटा तो बोलता नहीं देता, चाहे क्या कर लेगा, क्या कर लेगा, उसको पता है हम ज्यादा क्या ही कर लेंगे। Alright, so look at this. There is a possibility that management may not provide the complete information. उनको थोड़ी हमसे डर लगता है, CFO CEO को हमसे डर नहीं लगता है इतना, वो थोड़ी हम इनकम टैक्स ऑफिसर जैसे पावर है हमारे पास। Done? Alright. Timeliness of financial reporting and balance between benefit and cost. ये देखो मेरे दो वर्ड आ गए थे, देखो cost and time. काफी बार क्या होता है ना, बच्चे जब ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं तो बहुत कॉमेडी लगता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑडिटर कैन नॉट परफॉर्म ऑल प्रोसीजर्स, फिर कुछ एकदम जो अपना गुज्जू मारवाड़ी बच्चा होता है ना, ऑडिटर आल्सो हैज टू अर्न रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑडिटिंग इज नॉट नॉट फॉर प्रॉफिट एक्टिविटी, इट्स अ कमर्शियल एक्टिविटी एंड देयरफॉर ऑडिटर कैन नॉट वेरीफाई एवरीथिंग इन डिटेल। क्या होता है ना, ऐसा दिखता है कि आपका जो लालच है ना पूरा आंसर में दिखता है, पूरा एक्सपोज होके है। अरे तो जरा ध्यान रखने का, आंसर लिखते हुए बोलने का, ऑडिटर नीड्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस, बैलेंस बिटवीन व्हाट, बेनिफिट एंड कॉस्ट। सो ऑडिटर विल स्पेंड ओनली एज पर द बेनिफिशियल वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन। ओके, अब इन्होंने ना कॉस्ट बेनिफिट का पॉइंट थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैंने जो सबसे मेन लाइन है वो लाइन यहां पे ली है, जिसके बगैर काम चल ही नहीं सकता। चलो मेरे को एक बात बताओ, ओके, लेट अस से आपको ना, लेट अस से हीट से प्रॉब्लम होती है, लेट अस से आपकी मेडिकल कंडीशन ऐसी है कि सन और हीट रेस से आपको बहुत ज्यादा हीट से प्रॉब्लम होती है, बियॉन्ड 35-37 डिग्रीज यू कैनॉट मैनेज। तो अब आप ऑडिट कर रहे हो कोल इंडिया लिमिटेड का, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल गैंग्स ऑफ वसेपुर, तो कोल इंडिया लिमिटेड का ऑडिट कर रहे हो। अब उसकी जो कोल फील्ड वगैरह है, ओडिशा झारखंड वगैरह में जो कोल फील्ड वगैरह है, एक विजिट तो करना पड़ेगा ना उधर, एक विजिट तो करना पड़ेगा ना, कुछ पूरा इन्वेंटरी वही होता है। तो वहां पे ना लेटर से टेम्परेचर हो गया 47 डिग्रीज। तो आपने बोला नहीं नहीं भाई, तो बहुत ही तकलीफ है यार, आपको ना लेटर से डस्ट से भी एलर्जी है, तो ऐसा आपको लगा बिकॉज धूल मिट्टी और धूप ये सब अपने से सहन नहीं होगा, तो आपने क्या किया, मस्त मुंबई में इधर एसी ऑफिस में बैठ के वीडियो कॉल के थ्रू वहां पे जो कोल फील्ड है देख लिया। दिखाओ चलो झारखंड दिखाओ, ओडिशा दिखाओ, वाह नाइस, करोड़ों का धंधा है भाई।
और दिखाओ जरा। हाँ एसी एसी प्रेफर करो। हाँ ओके, यहां से बैठे बैठे आपने वीडियो कॉल के थ्रू देख लिया है सब। ओके टेल मी, क्या आपने बराबर किया? पर अगर आप उधर जाते तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता था, आपकी एक्चुअली मेडिकल कंडीशन इतनी खराब है, इसलिए आपने यहां से वीडियो कॉल के थ्रू देख लिया। तो टेल मी, आर यू जस्टिफाइड इन दिस? यस, ये देखो इसका इंसान बाहर आया है। तबीयत खराब है ना इंसान का, तबीयत खराब है ना, तो जब आप बोल रहे हो हीट का प्रॉब्लम है नहीं जा सकता, तो क्या उधर जाके मर के ऑडिट करें? इसलिए इधर से वीडियो कॉल से किया, तो क्या प्रॉब्लम? लुक एट दिस इमोशनल ह्यूमन बीइंग। मैडम आप किसी और को भी तो अपॉइंट कर सकते हो लेटर से, लेकिन उसका पैसा नहीं है आपके पास, तो क्या आपने बराबर किया वीडियो कॉल के थ्रू? एक बहुत ही बोली है यार, इसको मैं ऑडिटर कैसे बनाऊं? ऑलराइट, आप एस्ट्रोलॉजर बनो मैडम, इतने बोले हो आप, थोड़ा ऐसे बनो स्ट्रांग। बोलो नहीं भाई, ऑडिटर नीड्स टू मेंटेन प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एटीट्यूड। ये तबीयत खराब है, ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, ये धूल मिट्टी का प्रॉब्लम है, तो भाई किसी और को भेज। ये जनरल इनकन्वीनियंस की वजह से, आई रिपीट, कौन सा इनकन्वीनियंस? जनरल इनकन्वीनियंस की वजह से तुम ऑडिट प्रोसीजर्स ओमिट करते जाओगे, ये नहीं चलेगा, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, वरना तो कल कॉल उठ के कोई भी कुछ भी रीजन देना शुरू करेगा। ये मेरे को थोड़ा ना, एक्चुअली मेरे को आई वॉज फीलिंग डिहाइड्रेटेड, इसलिए मैं विजिट नहीं किया, कुछ भी रीजन देना शुरू करेगा, सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, नहीं वरना कुछ भी बोलना शुरू करेगा। हाँ लेकिन कोविड के टाइम क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन सिचुएशन इट वॉज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली विजिट, इसलिए काफी बार वीडियो कॉल वर्चुअल कॉल से हमने काफी सारी चीजें खत्म की, बिकॉज गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस थे एंड देयर वाज अ थ्रेट टू द सेफ्टी। अब उसमें तो ऐसा नहीं बोल सकते कि पटरी पे चल के जाओ झारखंड तक और जाके कोल फील्ड देख के आओ, तो वो एक साल ऐसा था जहां पे हमने वर्चुअल कॉल वगैरह किए थे। तो सर ये सब जो आप समझा रहे हो पिछले 3-4 मिनट से, उसको इंग्लिश की एक लाइन में कैसे डाले? वही लाइन में बता रहा हूं, एवरीवन ओवर हियर, मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो अल्टरनेटिव। पहले तो ये लाइन को समझो, टेरमी अगर आपके कोई रिलेटिव की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने बोला है 12 लाख रुपए लगेंगे और वो एक ही ट्रीटमेंट है, दूसरा कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, वरना आपका रिलेटिव 24 घंटे मर जाएगा, इन दैट केस आप वो 12 लाख का सेटिंग करने की ट्राई करोगे कि नहीं? बस वही लाइन है, पकड़ लो, मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट अ प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो अल्टरनेट, बिकॉज कोई अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए आप कहीं से भी वो पैसे लेके आओगे। पर समझो डॉक्टर बोलता कि सुनो एक और ट्रीटमेंट है 10,000 रुपए में हो जाएगा, उसमें ये 4 दिन और जी लेगा। 4 दिन जिएगा मतलब आज नहीं मरेगा, 10,000 दो, 4 दिन और एक्सटेंड कर देता हूं इसकी लाइफ। टेल मी कहना है आप 10,000 वाला ऑप्शन ले लोगे? यस और नो सर? अरे ना बोलो भाई, नो आए तो देखो कितने कंजूस है, मरता है तो मरो भी और क्या। 10,000 वाला ऑप्शन लोगे आप? नहीं, बिकॉज वो अल्टरनेटिव था बट इट वॉज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव, इट वॉज नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव। तो अल्टरनेटिव होना जरूरी नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव होना जरूरी है। अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब तक कोई सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव नहीं है, आई रिपीट, जब तक कोई सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव नहीं है, आपको परेशानी उठानी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। अगर कोई सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव मिल गया तो ठीक है कि आप थोड़ा वो अल्टरनेट एविडेंस की तरफ चले जाओ। सो पूरा इंग्लिश वापस बोलो, मैटर ऑफ डिफिकल्टी टाइम और कॉस्ट इज नॉट इन इटसेल्फ अ वैलिड बेसिस फॉर ऑडिटर टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो अल्टरनेटिव। टेल मी एवरीवन, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंटरी का एक्चुअली कोई अल्टरनेटिव नहीं, बिकॉज वीडियो कॉल में क्या आपको मैनिपुलेट किया जा सकता है। पर अभी जो लॉकडाउन टाइप सिचुएशंस थे उसमें काफी लोगों ने वीडियो कॉल से खत्म कर लिया, वीडियो कॉल फोटो वगैरह से खत्म कर लिया। फिर क्या हुआ, जब रेस्ट्रिक्शन ओपन हुए ना, जब खुला ना, तो जाके एक बार विजिट करके आ गए। तो लोगों ने क्या किया, 31 मार्च को वीडियो कॉल कर लिया, फिर जुलाई अगस्त जब खुलना शुरू हुआ तो एक बार विजिट करके आ गए। तो जब तक उन्होंने सितंबर में ऑडिट रिपोर्ट साइन किया,
तब तक ये दोनों चीजें मिलाकर वो सेटिस्फाई हो गए थे. टेल मी, क्या ये सेटिस्फैक्टरी अल्टरनेटिव है? यस. तो मैटर ऑफ डिफिकल्टी, टाइम और कॉस्ट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट अ प्रोसीजर फॉर विच देर इज नो अल्टरनेटिव. अगर अल्टरनेटिव नहीं है तो परेशानी उठानी पड़ेगी, टाइम खर्च करना पड़ेगा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे. आई वॉन्ट अ कन्फर्मेशन, आर यू क्लियर विद दिस? यस सर, यस सर, यस सर. ईशान क्लियर? क्लियर. ओके. अप्रोप्रिएट प्लानिंग असिस्ट इन मेकिंग सफिशियंट टाइम एंड रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर कंडक्ट ऑफ ऑडिट. ऑडिट, इधर सुनो, बाकी सब तो ठीक है, ये दो लाइन से इधर एरो निकालो और यहां पे लिखो ऑडिटर डिसाइड्स to verify inventory over a video call rather than actually attending it physically, rather than actually attending it physically. All right. Write down. This decision is not appropriate. This decision is not appropriate. Unless attendance is impracticable. Sir, what is attendance is impracticable? Lockdown type situation. Lockdown situation वगैरह. भाई ये सब में नहीं जा पा रहे हो, समझ में आ रहा है? धूल मिट्टी बहुत है इसलिए नहीं जा पा रहे हो. Then you're a South Bombay auditor. धूल मिट्टी क्या होती है, मंदिरी मेंटरो वालों से पूछो. Look at this. Auditor decides to verify inventory over a video call rather than actually attending it physically. This decision is not appropriate unless attendance is impracticable. Lockdown situation. I want a confirmation. Is everyone through with this? Yes. ये बहुत ही sensitive line है इसलिए. Hello, Zoom pe please. Everyone needs to confirm. Okay. Yes. चलो बढ़िया. बस ये खाली तो खाली क्या है, वो टाइम वाइम का पॉइंट खाली समझा रहे हैं. बोलते हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सही टाइम पे मिले तो वैल्यूएबल है, गलत टाइम पे मिले तो इन्फॉर्मेशन की क्या वैल्यू है, ए सब सोच के ऑडिटर को खर्चा करना चाहिए. ये दो लाइंस ऐसे बाय हार्ट नहीं हुआ तो चलेगा. मेन फर्स्ट टू लाइंस था. अदर मैटर्स दैट अफेक्ट लिमिटेशंस ऑफ एन ऑडिट इन केस ऑफ सर्टन सब्जेक्ट मैटर्स. Limitation on auditor's ability to detect material misstatements are particularly significant. ऐसी कौन सी matters है जहां पे auditor की जो ability है वो reduce हो जाती है. GF is related to in-law. G किधर गया, इधर देखो. Going concern. Why? ये going concern में क्यों difficult है? Future events पे है ना. पर सुनो, ये सबके ऊपर एक एक बड़ा बड़ा paragraph पढ़ाऊंगा मैं. सर कहां पढ़ाओगे? पहले तो ये G को mark करो, going concern. इसके ऊपर मस्त paragraph आने वाला है. चैप्टर 7 एसए 570. चैप्टर 7 में एक स्टैंडर्ड आएगा, उसमें एक बड़ा सा पैराग्राफ आएगा इसके ऊपर. पूरा स्टैंडर्ड ही गोइंग कंसर्न का है. डन? यस. जीएफ, फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट. फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट. ओए, इसके ऊपर भी बड़ा पैराग्राफ आएगा. ऐसे 240 पूरा ऐसे ही फ्रॉड वाला है, मतलब ऐसे का टाइटल ही फ्रॉड. पर ये अभी पढ़ने नहीं मिलेगा, फाइनल सी है.
ऐसे 240 थैंकफुली इंटरसेल लेवल पे नहीं है, थैंकफुली इसलिए बिकॉज चार पेज का तो ऐसे है वो। एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ, इधर देखो विच ट्रांजेक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, इसके ऊपर एक बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, चैप्टर 3 एसए 550, खाली रेफरेंसेस लिख के रखो। एंड देन नॉन कंप्लायंस विथ लॉज एंड रेगुलेशंस, इसके ऊपर भी बड़ा सा पैराग्राफ पढ़ाऊंगा, एसए 250 फाइनल सीए। डन? यस सर। ऑलराइट, तो सुनो भाई, जब आप इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की पढ़ाई कर रहे हो तो आपका मार्किंग कैसा होना चाहिए? रीड विथ नोट्स, खाली रेफर नोट्स नहीं। ये अपने टेक्स्ट बुक से भी पढ़ना है और नोट से भी देखना है। हेलो, स्कोप ऑफ ऑडिट के लिए मैंने आई थिंक लिखा ना रह गया, स्कोप ऑफ ऑडिट के लिए सब कुछ नोट्स में आ गया, वो पढ़ाते पढ़ाते सब नोट्स लिखा ही दिया आपको। कैसा है ना, ये सब मार्किंग करो वरना फिर बाद में दोनों जगह से पढ़ोगे तो इट विल बी वेरी टैक्सिंग फॉर यू। ये सब रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, अगर आप यूट्यूब पे देखोगे मेरा ऑलरेडी रिवीजन प्लेलिस्ट है, रिवीजन करने में टाइम नहीं लगता, पर पहली बार अच्छे से पढ़ो। ओके, सेवरियन ओवर ईयर, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग 4 पॉइंट, एफ फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ए फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स, सी फॉर कॉस्ट, टी फॉर टाइम, ओ फॉर अदर मैटर्स, अदर मैटर्स के अंदर जी एफ इज रिलेटेड टू इन लॉस, और सारे पॉइंट्स हमने अच्छे से कर लिए, तो ये पॉइंट अपना खत्म हो गया। एंड इसके साथ आपका वो आई थिंक कौन सा था, May 24 क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था वो। ऑलराइट, सो इसका प्लीज आप रेफरेंस लिख दो ना, May 24 क्वेश्चन 2C, ये नोट्स में इनहेरेंट लिमिटेशंस के बाजू में कहीं पे भी इसका ना सजेस्ट आंसर जरूर देखना कि किस तरीके से आ रहा है। क्वेश्चन 2C, चलो वी आर डन विद दिस। एक बार जरा टेक्स्ट बुक में आ जाओ वापस। हाँ, ये बीच में छोटा सा पॉइंट था, खत्म कर देता हूं, इसका तो मुझे नोट भी नहीं लिखाना है। रिलेशनशिप ऑफ ऑडिटिंग विथ वेरियस डिसिप्लिन्स, ए डिसिप्लिन्स का मतलब क्या है, वेरियस सब्जेक्ट्स। ऑडिट का रिलेशनशिप क्या, अलग अलग सब्जेक्ट से, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बोलना शुरू करो। अकाउंट्स, क्या अकाउंट्स का नॉलेज जरूरी ऑडिट के लिए? यस। तो बोलेगा अकाउंटिंग ऑडिटिंग हैव अ क्लोज रिलेशनशिप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ओनली देन ऑडिटर कैन ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉपरली, बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। बिंदास फेंकने का। दूसरा सब्जेक्ट कौन सा, लॉ ले लो, टैक्स ले लो, ऑलराइट, दो 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 लाइन लिख के ऑडिट के साथ कनेक्ट कर देने का, सबका मिलन करवाना ऑडिट के साथ। कॉस्टिंग भी आ गया, FMB है, सब कुछ है, देखो ऑडिटिंग अकाउंटिंग ऑडिटिंग लॉ ऑडिटिंग इकोनॉमिक्स ऑडिटिंग स्टैट्स एंड मैच डेटा प्रोसेसिंग आपका IT सब्जेक्ट, ऑडिटिंग यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोडक्शन कॉस्टिंग, खाली सिलेबस का नाम लिख दोगे तो भी चलेगा। देखो अरे ये देखो ना, फंड फ्लोरेशन इज कैपिटल बजटिंग वर्किंग, सुनो मेरी बात, खाली एक ही नया पॉइंट दिख रहा है, ऑडिटिंग एंड बिहेवियरल साइंस। व्हाट इज बिहेवियरल साइंस? नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। देखो अगर आप 15-20 साल पहले की बात करो तो टीचर है ना लाफा मार के भी बच्चे को बता देते, अब अगर मैंने ऐसा कुछ किया फिजिकल अब्यूज का केस आ जाएगा मेरे में, ऑलराइट, यहां मोर्चा लग जाएगा, ह्यूमन राइट्स वाले आ जाएंगे, पेरेंट्स मारने आ जाएंगे, तो अब मैं क्या करूं? तो बच्चों को धमकी दे सकता हूं कि देखो भाई मैं सेम प्रोफेसर हूं जो 90-100 घंटे का प्रॉपर रेगुलर कोर्स भी लेता हूं, सेम प्रोफेसर हूं जो 50 घंटे का फास्ट ट्रैक भी लेता हूं, सेम प्रोफेसर हूं जिसके रिवीजन प्लेलिस्ट में 10-12 घंटे में पूरा रिवीजन भी है। इसका मतलब कौन सा कंसेप्ट डिटेल में पढ़ा रहा है और कौन सा कंसेप्ट डिटेल में नहीं पढ़ाना है वो मुझे आता है, और मतलब मैं कैसे भी कंप्रेस कर सकता हूं चीजों को, मार्केटेबल प्रोडक्ट को कैसे भी खुद को चेंज कर सकता हूं। तो अगर आपने ध्यान दिया, होमवर्क किया, मैं जो बता रहा हूं वो सब चीजें फॉलो की, तो
तो आपको मेरी तरफ से मेरी दुकान का सबसे ब्रांडेड माल मिलेगा, प्रॉपर कोर्स, एकदम प्रॉपर लेक्चर, प्रॉपर कंसेप्ट्स। पर अगर आपने कुछ चीज़ें फॉलो नहीं की तो मैं दूंगा आपको चाइना का माल, ऑलराइट, जहाँ पे आपको लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है लेकिन एग्जाम में लग जाएगी। बोलो कौन सा माल चाहिए, ब्रांडेड या चाइना? ब्रांडेड। तो फिर जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ करके आना, वरना मैं फिर चाइना वाला माल निकालूंगा। चाइना वाला माल में भी मजा आता है थोड़ा टाइम, जब तक कस्टमर को पता चले कि खराब है तब तक सप्लायर उड़ जाता है। सो एवरीवन ओवर हियर, एक मिनट, ये मैंने क्या किया? आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, पर आपको उतना तो डरा दिया कि आप अपना काम करोगे। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सो आई नो दैट अभी आप अपना काम करोगे। नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर एन ऑडिटर टू इफेक्टिवली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज। व्हाई व्हाई नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल पावर, बिकॉज ऑडिटर हैज लिमिटेड लीगल पावर। कभी ट्रैफिक पुलिस को ह्यूमन बिहेवियर के नॉलेज से डील करते हुए देखा है क्या? बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए ना, हाँ आप ऐसे हेलमेट पहनोगे नहीं तो तकलीफ होगी ना, फिर नहीं ना, सी दम मारेंगे, क्यों? लीगल पावर है ना उनके पास। तो ह्यूमन बिहेवियर का नॉलेज कहां पे चाहिए होता है? व्हेन यू हैव लिमिटेड लीगल पावर। सुनो ना, ह्यूमन बिहेवियर को एक और बोलते हैं ना, इसको टैक्ट भी बोलते हैं, टैक्ट, TACT। कभी टैक्ट वर्ड बोला तो भी सेम ही हुआ ह्यूमन बिहेवियर। बस ये एक ही थोड़ा लाइन ऐसा था, बाकी सब तो अलग अलग सब्जेक्ट, खाली कुछ फुल फॉर्म वुल फॉर्म का इशू है। हाँ, EDP मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। बाद में इसका व्हाट्सएप पे डाउट पूछते हैं, सर कैन यू गिव अस द फुल फॉर्म ऑफ EDP, एज इफ सर इज गूगल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा ऐसे कुछ क्वेश्चन आ गए आपको ऑडिटिंग एंड अदर डिसिप्लिन, तो खुद को बड़ा लकी समझ रहे। ओके, तो सिक्स्थ पॉइंट तक अपने सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, करेक्ट? ओके, नाउ एवरीवन ओवर हियर, एट्थ पॉइंट कर लेते खाली, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट। ओहो, जब भी ऐसा बेनिफिट्स एडवांटेजेस ऐसा कुछ आता है ना, तो पता नहीं बच्चे के अंदर का वो बीकॉम वाला भूत कहां से जाग जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट सेव्स टाइम, सेव्स एनर्जी। अभी थोड़ा ऑडिट का एडवांटेज बोलना है, तुम लोग को तो कहीं पे भी एडवांटेज बिठाया, मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो टेल मी, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इट इंक्रीजेस द रिलायबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यस और नो सर? लोगों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर भरोसा बढ़ जाता है। एंड मेन चीज, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को अलग अलग बेनिफिट्स हैं। शेयर होल्डर्स को कंपनी का परफॉर्मेंस समझ में आता है, लेंडर्स को कंपनी का क्रेडिबिलिटी समझ में आता है, क्रेडिट वर्दीनेस कितना है, गवर्नमेंट को टैक्स कैलकुलेशन में मदद हो जाती है। अच्छा, पार्टनर्स वगैरह जो होते हैं उनको अपने अकाउंटिंग और मैनेजमेंट जो होता है उनको क्लियर अकाउंटिंग से पता चलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली दे कैन टेक द डिसीजन, तो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग मदद हो जाती है। ऐसे अलग अलग एंगल से थोड़े एडवांटेजेस लिखने हैं आपको। एंड एक एडवांटेज तो है, सबको पता है कि भाई ऑडिट होने वाला है। अगर आप DMart के एम्प्लॉयज हो, अगर आपको पता है ऑडिटर आने वाला है, उस दिन आप बहुत सिंसियर रहोगे। सबको पता है ऑडिटर आने वाला है, वही जैसे पेरेंट्स आने वाले होते हैं, बिकॉज आपको पता है कि भाई ये तो कुछ पूछेगा, तो ऑटोमेटिक मॉरल चेक रहता है एम्प्लॉयज के ऊपर, ऑटोमेटिक वो थोड़ा चेक हो जाता है, एम्प्लॉयज अपने आपको थोड़ा ऐसा बिहेवियर थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं। एंड अगर आप ऑडिटर हो, एंड आप समझो एक्सिस बैंक का ऑडिट कर रहे हो, आपने देखा एक्सिस बैंक की एक ब्रांच में गया, आपने देखा कैशियर भी, कैश नत्थू नाम का एक पर्सन है, वो कैशियर भी है, वो फॉर्म्स भी सारे संभालता है, वो DD भी बनाता है, वही साइन करके भी दे देता है, राइट? और नत्थू को छोड़ के बाकी खाली दो तीन ऑफिस बॉय, बाकी सब नत्थू ही संभालता है। टेल मी, नॉर्मली कैन आई से एक बैंक ब्रांच में आपको क्लियरली डिविजन ऑफ ड्यूटीज दिखता है? एक विंडो पे एक ही काम होता रहता है, वो क्यों होता है? ताकि कोई एक पर्सन के पास बहुत ज्यादा कंट्रोल ना जाए। बिकॉज अगर एक ही पर्सन के पास पूरा कंट्रोल आ गया, देन इन दैट केस इट इज वेरी इजी कि वो आराम से फ्रॉड वर्ड कर सकता है, यस और नो सर? दैट इज व्हाई अब आपको पता चल गया कि ये नत्थू के पास इतने सारे पावर्स है। डोंट यू थिंक कि एक्सिस बैंक के जो सीनियर मैनेजर्स वगैरह हैं, उनको आप एक बार इन्फॉर्म तो करोगे कि देखो आपने नत्थू को बहुत ज्यादा पावर्स दे के रखे हैं, यू शुड डिवाइड द ड्यूटीज, यू शुड डिवाइड द ड्यूटी। मैं क्या बोल रहा हूं, ये सब आपका काम नहीं होता।
बट अभी दिख रहा है क्लियरली कि उनके सिस्टम में वीकनेसेस है, तो एटलीस्ट एक सजेशन तो देंगे, यस और नो सर? यस। तो ऑडिटर का वो भी एक एडेड एडवांटेज है कि ऑडिटर जो होता है वो कहीं पे वीकनेसेस दिखते हैं या कुछ लॉसेस का दिखता है, कुछ रेवेन्यू लीकेजेस दिखते हैं, तो ऑडिटर रिकमेंडेशंस देता है। क्या देता है? रिकमेंडेशन, जिससे थोड़ी क्लाइंट को मदद हो जाती है। सो एवरीवन ओवर हियर, ऐसे थोड़े आपको एडवांटेजेस लिखने पड़ेंगे। तो जैसे आप देख रहे हो ए बी सी डी ई एफ जी, काफी सारे पॉइंट्स हैं, तो हम लोग थोड़ा इसको कोडिफाई करेंगे। कोडिफाई इसलिए बिकॉज मुझे ये नहीं लगता कि आप ये नहीं लिख पाओगे, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही ना लिख दो, अरे वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वगैरह से, तो मेरे को ना आपको थोड़ा इसमें लिमिट में रखना पड़ेगा। इसलिए एवरीवन ओवर हियर, प्लीज कम टू योर नोट्स। कभी कभी बच्चा इतना कुछ लिख देता है ना कि वो प्रॉब्लम हो जाता है, फिर एग्जामिनर ऐसे फ्रस्ट्रेशन में रॉन्ग दे देता है, बोला इतना थोड़ी रीड करूंगा मैं। वेरी गुड ईशान सर, आपने जो सिस्टम के रिकमेंडेशंस की बात की, इट इज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ ऑडिट। नहीं, हर चीज स्कोप में नहीं होती। ऐसे फ्रॉड डिटेक्शन भी आपके स्कोप में नहीं है, पर अभी मिल गया तो थोड़ी है बोलोगे नहीं 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 मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ऑलराइट, तो ऐसे कुछ कुछ एडेड एडवांटेजेस हो जाते हैं सेकेंडरी। ओके, ये तो आपको बीकॉम के एग्जाम्स देते देते आदत होगी, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस एक्सेट्रा, ऐसा कुछ ना कुछ तो वर्ड यूज करेंगे। ओके, राइट डाउन, ये कोड वर्ड है, आई एम डिटेक्टिव सेफ। Increases credibility of the financial statements, yeah, increases confidence of the users. दूसरा, improves internal control system of the entity. सर ये क्या होता है सर, ये internal control system? अरे कंपनी के जितने भी internal processes है ना, जैसे अभी मेरे यहाँ पे आपको एडमिशन लेना, कैसे ऐप डाउनलोड करो ने, करो ने, फिर उसमें से एडमिशन, वो मेरा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वो मेरे इंटरनल प्रोसेसेस है। कंपनी के जो भी इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ऑडिटर का मेन काम नहीं है सब सिस्टम विस्टम चेक करना, अभी ऑडिटर को कुछ पता चला तो रिकमेंडेशन तो दे सकते हैं। अपने आप एक मॉरल चेक हो जाता है, मॉरल चेक ओवर द एम्प्लॉयज ऑफ द एंटिटी। देखो, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर एक एडवांटेज है, मैंने नहीं बोला है, ऑडिटर का ही ऑब्जेक्टिव है। शायद ऑडिटर फ्रॉड डिटेक्ट कर ले, करेगा ही करेगा ऐसा जरूरी नहीं है, पर एक एडवांटेज तो हो सकता है। डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एंड मेन क्या है, ऑडिटर ऑडिटर की वजह से जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनका इंटरेस्ट सेफगार्डेड रहता है, सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स।
अंडरस्टूड ईशान? सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. अलग दो तीन स्टेक होल्डर्स का एग्जाम्पल दे देने का रहे हैं. शेयर होल्डर्स कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी. लेंडर्स कैन डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस. गवर्नमेंट कैन असेस टैक्सेस. गवर्नमेंट कैन असेस टैक्सेस. टैक्स कैलकुलेशन में मदद हो जाती है. इसे दो तीन स्टेक होल्डर के नाम पे लिख देने बस हो गया. फिर देखो आप अगर इंटरसे का पेपर देखो, एक और चीज आपको बताता हूं जिससे थोड़ा आपको रिलीव्ड फील होगा. ओके पहले लिख लो. सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स. शेयर होल्डर्स कैन मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी. लेंडर्स कैन डिटरमाइन द क्रेडिट वर्दीनेस. गवर्नमेंट कैन असेस टैक्सेस. अगर आप इंटरसे का पेपर देखो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स 3 4 4. पूरा पेपर यही पैटर्न है. 4 4 3 3 4 4 3 3. मतलब साला 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी नहीं है. और अगर आप इसके आंसर्स देखोगे ना, 3 पॉइंट या 4 पॉइंट के आंसर है. तो पहले तो वो वाले जो लोग है ना, सर 1.5 किलो तो लिखना पड़ेगा. नहीं 1.5 किलो 1.5 पेज तो लिखना पड़ता. नहीं 1.5 पेज ऐसा कुछ नहीं है. मैंने आपको बोला ना, मैंने सेकेंड अटेम्प्ट में एग्जेम्पशन मारे सारे थियरी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में भी सप्लीमेंट्री नहीं लिया था, जबकि मैंने विथ ऑप्शंस लिखे थे आंसर्स. बिकॉज मुझे पता था कि 4 पॉइंट के 4 मार्क होते हैं, 40 पॉइंट के 4 मार्क नहीं होते. अब वो 4 पॉइंट आप वेदर वो हिट कर पाते हो कि नहीं उसके ऊपर है. ऑलराइट, तो इतना पता चल रहा है कि सला जब 4 मार्क या 3 मार्क वाले ही है तो हम लंबा लंबा बाय हार्ट क्यों करें? हम ऐसा ना करें कि हर एक कंसेप्ट में से कुछ कुछ याद रहे. जैसे मैं आपको पहले फर्स्ट 10 मिनट में भी ये बताया, अब मैं आपको दिखा रहा हूं. देखो जैसे अभी आप ए बी सी डी ई एफ जी है, तो जो गधा सब कुछ बायट करने के पीछे पड़ा है वो पागल है. जबकि ये क्वेश्चन आएगा 4 मार्क या 3 मार्क के लिए, तो आपके ए टू जी बायट होना जरूरी कि कोई भी 3 पॉइंट टैली होना जरूरी है? कोई भी 3 पॉइंट टैली होना जरूरी है. तो जो 3 अच्छे लगे हो याद रखो. कोई भी आंसर में जब आप 8-9 पॉइंट देखते हो तो क्यों प्रेशर में आते हो? जो 2-3 लाइन अच्छी लगे उठा लो. ऑलराइट, एमसीक्यू में आपको 30 में से 20-24 तो आते हैं. नॉर्मली मैंने देखा एवरेज स्टूडेंट भी 18-20 के रेंज में तो लेके आता है. बाकी बहुत एक्सलेंट रहेगा तो 24-30 तक चला जाता है, तो उतने आते हैं. बाकी ये जो पूरा डिस्क्रिप्टिव पेपर है 70 मार्क्स का, इसमें 4-3 4-3 4-3 4-3 ये चल रहे हैं, उसमें आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? कि 0 ना मिले, कोई भी 4 में से 0 ना मिले. सपोज आपको ये बहुत ही कुछ डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है बिल्कुल ऐसा लग रहा है, एक लाइन याद रख ले, एक पॉइंट याद रख खाली, छोड़ पूरा आंसर याद मत रख. बिकॉज अगर तुझे वो क्वेश्चन आया तो तू एक पॉइंट तो लिखेगा. जब तू एक पॉइंट लिखेगा तो 4 में से 0 की जगह 1 मार्क तो आया. अगर 3 मार्क करेगा तो बेस्ट, तो 3 में से 1 आ गया. ऑलराइट, आप अगर पूरे पेपर में सिर्फ 0 को अवॉइड करो और 1-2 1-2 1-2 ऐसे भी स्कोर करते रहो, तो आपके हर क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है. ऑलराइट, आपके हर क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन है? 4. क्वेश्चन नंबर 1 में 4 है, 2 में 4 है. कैन यू सी दिस? ऑलराइट, तो ऐसे कितने क्वेश्चन है? 5 5 × 4 20 क्वेश्चन. अब आप 20 क्वेश्चन में सिर्फ हर एक क्वेश्चन में 1-1 मार्क भी लाते हो तो भी इट इज कितना? 20 मार्क्स. जबकि जो फेल होता है उसको पूछ लो क्या होता है डिस्क्रिप्टिव का, उसका मार्क्स देखना 10 मार्क, 70 में से 10 70 में. अबे डैश, तुझे 1-1 क्वेश्चन में सिर्फ 1-1 मार्क लाना था, तो तू अगर 20 क्वेश्चन में 20 मार्क भी लाता है ना, तो एमसीक्यू में 20-22 लाता है तो भी 42-44 तो पहुंच ही जाते हैं. अब क्या तुम खुद को इतना गरीब समझते हो कि 20 में से सिर्फ 1-1 मार्क ही आएगा? 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे ना जिसमें आपको 2 मार्क 3 मार्क वगैरह आते हैं. ऐसे धीरे धीरे फिर 50 के ऊपर जाना शुरू होता है.
पहले हम लोग इतना स्कोर तो बनाएंगे कि पहले तो मैच ना हारे, फिर देखेंगे कि मैच ऐसे जीते कि नेट रन रेट ऊपर रहे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो मैं अचानक से टॉपिक पे क्यों आ गया कि अगर आप मॉड्यूल भी देखते हो, कोई भी बुक देखते हो, 100 बड़ा बड़ा दिखता है, 100% बायट का प्रेशर नहीं रखना है। हर एक कंसेप्ट में से एक एक दो दो पॉइंट अच्छे से आने चाहिए। 3 पॉइंट याद रह गए तो ग्रेट, बिकॉज मैक्सिमम कोई भी आंसर में कितने पॉइंट्स आने वाले? 4। तो 3 याद रह गए तो या तो 3 मार्क का आया तो 3 में से 3 आ जाएंगे, तो 4 में से 3 आ जाएंगे, दोनों स्कोर अच्छे। ऑलराइट, ऐसे धीरे धीरे करके आप खुद का प्रेशर कम करो और आगे बढ़ो। सो आज हमने कितने कंसेप्ट किए, टेल मी। फर्स्ट इज डेफिनेशन, ऑलराइट। सेकंड, बेसिक फंडामेंटल्स। थर्ड, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव, वो थोड़ा टफ था, वो याद रखना, ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव। ऑलराइट, फोर्थ स्कोप ऑफ ऑडिट, एंड देन स्कोप ऑफ ऑडिट में काफी कुछ हमने पढ़ा, जिसमें हमने देखा एप्लीकेशन क्वेश्चन भी थे उसमें, खास करके ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन। देन इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, पूरा फैक्टो। एंड देन लास्ट में ऐसा एक बी कॉम वाला आंसर, बेनिफिट एडवांटेजेस। ऑलराइट, ठीक है, आई वॉन्ट टू डिस्कस मोर, बट ऑब्वियसली विल कंटिन्यू इन द अपकमिंग सेशन। थैंक यू सो मच।